हेलो बच्चों, कैसे हो? शुरू करना है? चलो बेटा, देखिए एफएम रिवीजन में देखिए आज हमें टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। नाम सुनकर डर लगा होगा। ये बच्चों एफएम का वन ऑफ द क्रिटिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं बच्चों, चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। समझा तो बहुत मस्त लगता है और नहीं समझा बेटा तो चैप्टर बहुत वाट लगा रहता है। बट समझ चलना बेटा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम बहुत मजेदार है। जिन लोगों ने अभी तक कैपिटल बजटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा है या जिनको इसमें कॉन्फिडेंस कम होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बेटा। अभी यहाँ पे कुछ ही समय में बेटा मैं कैपिटल बजटिंग अच्छे से यहाँ पे कवर करा के दूंगा, चलेगा? चलो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली चैप्टर शुरू करें कैपिटल बजटिंग। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। अब सबको पता है एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको तीन टाइप के डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। बता बच्चों किस डिसीजन लेते हो बेटा आप लोग? तीन, कौन कौन से? फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कौन सा? डिविडेंड डिसीजन। पैसा कहां से रेस करना चाहिए, इक्विटी से या डेब्ट से? इक्विटी से या फिर डेब्ट से, यह बताएगा आपको फाइनेंशियल डिसीजन। एक बार पैसा आपने रेस किया वो कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो बताएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और एक बार पैसा इन्वेस्ट किया उसे प्रॉफिट मिल गया फिर उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड देना चाहिए और कितना पैसा रिटेन करना चाहिए यह बताएगा आपको डिविडेंड डिसीजन। तो समझ चलना बेटा तीन टाइप के डिसीजन है, कौन कौन से बता बच्चों? फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और बेटा कौन सा है? डिविडेंड डिसीजन। इसमें से कैपिटल बजटिंग डील करता है विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को यह डिसीजन लेना है कि पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए बेटा हेल्प कौन करेगा? कैपिटल बजटिंग टेक्निक हेल्प करते हैं। अब देखो, आप सबको पता है प्रोजेक्ट के अलग अलग टाइप होते हैं। ओके बेटा, सम प्रोजेक्ट आर डिविजिबल प्रोजेक्ट एंड सम आर इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। अब इसका सिंपल मतलब क्या होता है, अज्यूम करो मेरे पास दस लाख रुपए और मुझे दो प्रोजेक्ट पैसा इन्वेस्ट करने का। प्रोजेक्ट ए में मुझे लगते 6 लाख रुपए और प्रोजेक्ट बी में मुझे लगते 6 लाख रुपए। बात समझ में आ रहा है क्या? प्रोजेक्ट ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 6 लाख। प्रोजेक्ट बी का कितना है? 6 लाख। दोनों मिला के कितने चाहिए बेटा? 12 लाख। पर मेरे पास कितने बच्चों? 10 लाख है। अगर ये बेटा प्रोजेक्ट अगर डिविजिबल है, मैंने को ब्रेक कर सकते हो बेटा, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख में से 6 लाख इन्वेस्ट करूंगा ए में और 4 लाख इन्वेस्ट करूंगा बी में। 6 लाख ए में इन्वेस्ट किए और बी में कितने इन्वेस्ट किए? 4 लाख। बी को चाहिए कितने थे? 6 लाख। मैंने दिए कितने? 4 लाख। बी बोलता है मेरा प्रोजेक्ट क्या है? डिविजिबल है, आप मेरे में से पार्शियली काम भी कर सकते हो। तो यहां पर डिविजिबल प्रोजेक्ट में पार्शियल इन्वेस्टमेंट चलेगा। बट अगर अज्यूम करो यही बेटा दोनों प्रोजेक्ट बेटा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, कैसे बैठो? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। इंडिविजुअल में क्या होता है, इनको ब्रेक कर नहीं सकते। ए और बी क्या बोलते हैं, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो पूरे 6 लाख इन्वेस्ट करो, ये 5 लाख 4 लाख आधा अधूरा नहीं चलेगा, इन्वेस्ट करना है तो पूरा। अब बताओ हमारे पास कितने? 10 लाख है। ए कितना मांग रहा है? 6 लाख। बी कितना मांग रहा है? 6 लाख। दोनों में इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे। इंडिविजुअल में क्या करेंगे हम लोग, एक तो ए में 6 लाख इन्वेस्ट करो या फिर बी में 6 लाख। बट डिविजिबल में क्या है, एक में 6 लाख दूसरे में 4 लाख क्या तो भी चलेगा, बट दूसरे में पार्शियल इन्वेस्टमेंट चलेगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? पक्का। ये प्रोजेक्ट के बेसिक टाइप होते हैं, बाकी मैं और आपको बताऊंगा। अब देखो इस तरह से अब समझना, अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना है या बी में इन्वेस्ट करना है या दोनों में इन्वेस्ट करना है, मैं कंफ्यूज हूं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या टेक्निक फॉलो करने चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या टेक्निक फॉलो करने चाहिए। तो देखो बेटा इसके लिए कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग चैप्टर में बेसिकली दो टाइप के टेक्निक दिए बेटा। पहला टेक्निक है टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड टेक्निक, और दूसरा होता है नॉन डिस्काउंटिंग या फिर नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक। फिर से बता रहा बेटा आपको, कैपिटल बजटिंग में अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए दो टाइप के टेक्निक दी, जिन्हें पहले बिल्कुल नहीं पढ़ेगा अच्छे समझिए। कैपिटल बजटिंग में कुछ ऐसे टेक्निक होते हैं जो टाइम का इस्तेमाल करते, जो टेक्निक टाइम का इस्तेमाल करते वी कॉल इट, या जो टाइम फैक्टर कंसिडर करते वी कॉल देम एज अ टाइम एडजस्टेड।
टेक्निक या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, और ऐसे टेक्निक जो समय का इस्तेमाल नहीं करते वी कॉल इट एज नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक और ट्रेडिशनल टेक्निक। अब बोले सर इसका मतलब क्या रहा सर, सर समय का इस्तेमाल करना नहीं करना इसका मतलब क्या होता है? अब देखो छोटा एग्जाम्पल दूंगा बेटा, अज्यूम करो मुझे मेरे पास 2 लाख रुपए, ओके बेटा मेरे पास 2 लाख रुपए, मुझे 2 लाख इन्वेस्ट करने, मैं गया इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर बोलता भाई साहब एक काम करो आप हमारे पास 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो हम आपको पैसा डबल करके देंगे। मतलब क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है। बोले सर देखो आज आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो हम आपको 10 साल के बाद देंगे 4 लाख, कितने इन्वेस्ट करो 2 लाख, 10 साल के बाद हम आपको देंगे 4 लाख। अब देखो कोई नॉर्मल स्टूडेंट है बोलेगा यार पैसा ले कितना आ रहा है 2 लाख, बट दे कितना आ रहा है 4 लाख, डबल मिल रहा है, इन्वेस्ट करते हैं। बट यार आप जैसे एकदम होशियार बच्चे, ओके बेटा जिनको बेटा एफएम आता है, आप लोग बोलेंगे सर सर इन्वेस्ट कब किया सर हम लोगों ने, आज सर इन्वेस्ट कब किया सर हम लोगों ने आज, बट सर आउटफ्लो सॉरी इनफ्लो सर पैसा कब मिल रहा है, कब मिल रहा है 10 साल के बाद ना, आज इन्वेस्ट कितने के 2 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट किए आज, बट 4 लाख का इनफ्लो कब हो रहा है 10 साल के बाद ना। अब मेरा सवाल क्या है बेटा, 10 साल बाद के जो 4 लाख है और आज के जो 4 लाख है दोनों कीमत सेम है क्या? नहीं समझ में आ रहा है। देखो आज जो 4 लाख है, सुना आज जो 4 लाख है उसकी 10 साल के बाद, आज जो 4 लाख है उसकी 10 साल के बाद कीमत उतनी ही होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा बेटा, क्यों? आज जो 4 लाख है उस पर इंटरेस्ट एड होके 10 साल के बाद ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, आज के 4 लाख के 10 साल के बाद ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब प्रेजेंट के कंपेयर में फ्यूचर में इंटरेस्ट क्या होता है एड, तो उसका उल्टा फ्यूचर के कंपेयर में प्रेजेंट में इंटरेस्ट क्या होता है लेस। बात समझा क्या बेटा? मतलब क्या है, जो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला था उसके आज कीमत क्या होगी कम, कि प्रेजेंट में इंटरेस्ट क्या होता है लेस। बात तो कहना है से दैट 10 साल के बाद जो 4 लाख मिलने वाले थे, 10 साल के बाद जो 4 लाख मिलने वाले थे उसके आज कीमत क्या होगी कम, क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट काटना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट के इनफ्लो 4 लाख आ रहा है उस समय खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 लाख हमको कम मिल रहा है बेटा 10 साल बाद मिल रहा है, वो जो 4 लाख 10 साल बाद के उसके आज की कीमत निकालनी पड़ेगी, उसके आज की कीमत निकालनी पड़ेगी। यस और नो बेटा? तो जो आज का जो आउटफ्लो है उसे कंपेयर किससे करेंगे, आज के इनफ्लो से। तो इसका मतलब यहां पे डिसीजन लेने के लिए हमें पैसे की समय के साथ वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी, 10 साल बाद कितने पैसे थे और वही पैसे की आज कितनी कीमत है। तो जहां पे टाइम फैक्टर को कंसीडर करके आप डिसीजन लोगे उसे हम बोलते टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, और जहां पे टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे वो क्या होता है नॉन डिस्काउंटेड या फिर ट्रेडिशनल टेक्निक। अभी मीनिंग समझा क्या बेटा आपको? पक्का टाइम फैक्टर कंसीडर किया तो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, डिस्काउंटेड टेक्निक और टाइम एडजस्टेड टेक्निक। ओके थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो हमने क्या डिस्कस किया, कैपिटल बजटिंग किस में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्ट करने के लिए हमें 2 टाइप के टेक्निक फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से बता बच्चों? टाइम एडजस्टेड एंड नॉन टाइम एडजस्टेड। इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन टाइम एडजस्टेड और नॉन डिस्काउंटेड और ट्रेडिशनल टेक्निक। उसमें 2 मेन टेक्निक है, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड और ARR मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और वही बच्चों देखो टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड टेक्निक में, टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंट टेक्निक में बहुत अलग अलग मेथड है। एक होता है NPV, दूसरा होता है प्रॉफिट इंडेक्स शॉर्ट फॉर द PI, फिर होता है IRR, फिर मॉडिफाइड IRR, फिर डिस्काउंटेड पे बैक, ये अलग, और बाद में इक्विवेलेंट एनुअलाइज कैश फ्लो मेथड। ये सारे बेटा किस में आते पता क्या, ये कहां पे आएंगे, टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। एक एक के ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे तो सारा फंडा समझेगा, ठीक है? चले आओ बेटा, सबको से थोड़ा बहुत बेसिक तो पता है, नहीं पता तो भी मैं पूरा समझा, टेंशन मतलब बेटा। देखो सबसे पहले बेटा हम लोग मेथड पढ़ने वाले पे बैक पीरियड। चलो फटाफट मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, व्हाट इज पे बैक पीरियड। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं एक बार पे बैक पीरियड और ARR ये दोनों कंसेप्ट समझाता हूं,
फिर पहले मैं दोनों के ऊपर क्वेश्चन करूंगा, फिर आगे बढ़ते चलेगा। ओके, कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चन इस वजह से करेंगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहला पे बैक पीरियड, चलो नाम में लिखा है पे बैक पीरियड। देखिए यार, जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर के सामने दो बातें होती है। एक तो जो पैसा इन्वेस्ट किया ना वापस मिलना चाहिए, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो या फिर उससे ज्यादा पैसा वापस मिलना चाहिए, यस और नो। और दूसरा बेटा पैसा कम से कम समय वापस मिलना चाहिए। जैसे आपकी बेटा बात करेंगे, अज्यूम करो आप एक दोस्त को 100 रुपए उधार दिए, अज्यूम कर आपका दोस्त ऐसा है कि 100 रुपए लौटा दिए, 100 रुपए कब दिए आपको वापिस, कब के 5 साल के बाद, आप बोलेगा अभी क्या यूज है, बात समझ में आ रही है बेटा आपको। तो उसे बोलेंगे भाई साहब मुझे मेरा पैसा वापिस चाहिए, बट जल्दी वापिस चाहिए। इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट बढ़िया तब होगा जब उससे पैसा वापिस क्या मिलेगा, जल्दी। तो जितने समय में इन्वेस्ट किया पैसा वापिस मिलता है दैट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। बात समझी क्या, इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू गेट मनी बैक। जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो वापिस पाने के लिए जो समय लगता है वो क्या, पे बैक पीरियड। ऐसा बच्चों कहा जाता है पे बैक पीरियड में दो टाइप के समय होते हैं, एक होता है इन केस ऑफ इवन कैश फ्लो और दूसरा होता है इन केस ऑफ अन इवन कैश फ्लो। पे बैक पीरियड को निकालने के दो तरीके होते हैं, कौन से बेटा, इवन कैश फ्लो एंड अन इवन। इसका मतलब फटाफट देखे बेटा, एक प्रोजेक्ट है जिसपे मैंने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए, कितने इन्वेस्ट किया बेटा 10 लाख रुपए। प्रोजेक्ट का लाइफ है 8 साल का, लाइफ है 8 साल का, और हर साल मुझे पैसा मिलता है, हर साल मुझे पैसा मिलता है 2 लाख। 2 लाख मेरा कौन है, एनुअल कैश फ्लो जो हर साल मिलता है। अब मुझे निकालना है क्या है, पे बैक पीरियड, कितने साल में इन्वेस्ट किया पैसा वापिस मिलेगा। चलो फटाफट बता बच्चों, कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे 10 लाख, इन्वेस्ट कितने के थे बेटा 10 लाख, कितने साल के लिए 8 साल, ठीक है अच्छी बात है, लाइफ 8 साल का है। मेरा पहला सवाल है हर साल कितना पैसा मिल रहा है, एनुअल कैश फ्लो कितना है 2 लाख। क्या हर साल पैसा अलग मिल रहा है या सेम मिल रहा है, सेम। पहले साल 2 लाख, सेकेंड ईयर 2 लाख, थर्ड ईयर 2 लाख, फोर्थ ईयर 2 लाख, क्या हर साल पैसा सेम मिल रहा है क्या, यस। तो सम किसका होगा बेटा, एनुअल कैश फ्लो, सॉरी इवन कैश फ्लो। इवन का मतलब क्या है, हर साल क्या होगा सेम। अब मुझे निकालना है क्या, पे बैक पीरियड, पैसा कितने साल में क्या मिलेगा वापस, कॉमन सेंस की बात है। अब बताओ बच्चों कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे 10 लाख, हर साल कितने मिल रहे 2 लाख, तो 2 लाख रुपए पाने के लिए अगर 1 साल लगता है तो 10 लाख रुपए पाने के लिए कितने बेटा 5 साल। 2 लाख रुपए पाने के लिए अगर 1 साल लगता है तो 10 लाख रुपए पाने कितने बच्चों 5 साल लगेंगे। तो 5 साल मेरा कौन है, पे बैक पीरियड है, समझा के बेटा। तो जितने समय में पैसा क्या मिलेगा वापिस उसे हम लोग बोलते पे बैक पीरियड। झिपा के बेटा कितना पे बैक पीरियड हमारा 5 लाख, हमारा पे बैक पीरियड है। सभी से कंफर्टेबल है, चलो तो बता मुझे आप 5 साल कैसे निकाला, 10 लाख बाय 2 लाख, 10 लाख मेरा कौन था इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, 10 लाख कौन था इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, और 2 लाख कौन था मेरा एनुअल कैश फ्लो। तो बता बच्चों इन केस ऑफ इवन कैश फ्लो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पे बैक पीरियड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। याद रहेगा, रट्टा मत मारो फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाना सीखो बेटा। मैं लॉजिक क्यों बता रहा, कभी भी बाय चांस एग्जाम में अगर भूल गए तो फॉर्मूला बनाने को आना चाहिए, पर हमेशा देखिए एग्जाम में पहले बता बच्चों FM सब्जेक्ट कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट मैटर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आड़ा तेड़ा भी अगर आ गया, लॉजिक क्लियर है तो क्या टैकल कर सकते हो बेटा। फिर से बताओ पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। आगे बढ़ू चलेगा क्या, यस और नो। अब अनइवन कैश फ्लो अज्यूम करो, फिर से अनइवन में क्या था, हर साल कैश फ्लो अलग अलग मिलेगा। अज्यूम करो बेटा आपने इन्वेस्ट किए 5 लाख, कितने इन्वेस्ट किए बेटा 5 लाख, ओके 5 लाख इन्वेस्ट किए, और यहां पे देखो बच्चों ईयर दियर कैश फ्लो दिया, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइफ 6 साल का बेटा, इन्वेस्ट कितने के 5 लाख, कितने साल के लिए 6 साल के लिए, और हर साल कितना कैश फ्लो मिल रहा है दिया। पहले साल आपको मिल रहे 40,000,
सेकंड ईयर आपको मिल रहे 60,000, थर्ड ईयर आपको मिल रहे 2 लाख, सॉरी 2 लाख, फोर्थ ईयर आपको मिल रहे 1 लाख, फिर आपको मिल रहे 3 लाख, फिर आपको मिल रहे 1 लाख, ये सब दिया आपको। और आपको निकालना है पे बैक पीरियड। पे बैक का मतलब क्या है? जो पैसा इन्वेस्ट किया वापिस मिलना चाहिए। जल्दी बताओ कितने इन्वेस्ट किया बेटा? 5 लाख, वापिस चाहिए। अब बताओ आप हर साल कैश फ्लो सेम मिल रहा है अलग 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 अलग, तो सम किसका है? अनइवन कैश फ्लो। अब देखो बेटा इन केस ऑफ अनइवन कैश फ्लो हाउ टू फाइंड पे बैक पीरियड, तो समझना बेटा अनइवन कैश फ्लो के समय, अनइवन कैश फ्लो के समय हमेशा बनाएंगे 3 कॉलम। कितने बेटा? 3 कॉलम। वो 3 कॉलम होते ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। फिर से बताओ इनके सब अनइवन कैश फ्लो कितने कॉलम बनाएंगे? 3। कौन कौन से? ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। झेपा क्या बेटा? ईयर पता है, कैश फ्लो पता है, अब मुझे क्या चाहिए? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, हर साल कितना कैश फ्लो मिलेगा। बता बच्चों क्या क्यूमुलेटिव निकाल आता है बेटा आपको? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? कीप ऑन एडिंग। जिनको नहीं पता है, कीप द फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, टॉप टू बॉटम क्रॉस एड। 40 + 60 कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख + 2 लाख कितना आएगा? 3 लाख। सॉरी एक काम करता हूं, नंबर तो मॉडिफाई करते हैं, यहां पे 2 लाख लिखता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके देखो बच्चों, अब देखो बच्चों यहां पे मैं टेंशन सभी टाइप कैसे लूंगा, घबराओ मत। अब देखो बच्चों यहां पे ना कुछ इसका मतलब क्या है। देखो बेटा मुझे होता फर्स्ट ईयर में कितना पैसा मिला है? 40,000। तो फर्स्ट ईयर तक कितना मिला? 40,000। अब बताओ सेकंड ईयर तक कितना मिला है? सेकंड ईयर तक 60,000 मिला है क्या? ना, 60,000 सेकंड ईयर में मिला है। मैं पूछूंगा सेकंड ईयर तक कितना मिला है, तो बोलेंगे सर फर्स्ट का 40 और सेकंड का 60 मिला के सेकंड ईयर तक कितना मिला सर? 1 लाख। इसे बोलते क्यूमुलेटिव, मतलब सेकंड ईयर तक। फिर बताओ थर्ड ईयर तक कितना मिला है? फर्स्ट के 40, सेकंड के 60 और थर्ड के 2 लाख। ये 2 लाख है बेटा। बता बच्चों थर्ड ईयर तक कितना मिला है? 3 लाख मिला है। फिर मुझे बताओ बच्चों फोर्थ ईयर तक कितना मिला है? 5 लाख। फिफ्थ ईयर तक कितना मिला है? 8 लाख। ऐड कर रहे हो क्या? सिक्स ईयर तक कितना मिल रहा है? 9 लाख। आई होप पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, सबको समझ में आ रहा है क्या आपको? कीप ऑन एडिंग, कीप द फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर क्रॉस एड, 40 + 60 1 लाख, 1 लाख + 2 लाख 3 लाख, 3 लाख + 2 लाख 5 लाख, 5 + 3 8। ये 8 क्या है? फिफ्थ ईयर में मिला है या 5 साल तक? 5 साल तक कितना मिला है? अब मुझे निकालना है क्या है? पे बैक पीरियड। मैं ढूंढने चला था जो इन्वेस्ट किया पैसा वापिस कब मिला है। बोलो छो इन्वेस्ट कितने किए थे? 5 लाख। बोलो इन्वेस्ट कितने किए थे? 5 लाख। फर्स्ट ईयर तक कितना मिला है? 40,000। 5 लाख मिले क्या? ना। सेकंड ईयर कितना मिला है? 1 लाख। 5 लाख मिले क्या? ना। थर्ड ईयर तक कितना मिला है? 3 लाख। 5 लाख मिले क्या? ना। फोर्थ ईयर तक कितना मिला है? 5 लाख। अब बताओ क्या फोर्थ ईयर तक 5 लाख मिले क्या? यस। तो 5 लाख हमें कब मिले बेटा? फोर्थ ईयर तक। तो 4 साल में अगर 5 लाख मिल चुका है तो पे बैक पीरियड कितना हो गया बेटा अपना? 5 लाख, सॉरी 4 साल, सॉरी माय मिस्टेक। तो 5 लाख रूप वापिस पाने के लिए कितने लगे? 4 साल। आई होप सबको ये समझा होगा। एक बार रिवाइज करते मुझे फिर से बताओ पे बैक पीरियड का बेटा मुझे होता है, पे बैक पीरियड का मुझे होता है फॉर्मूला क्या है, सॉरी मीनिंग क्या बताओ? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द मनी रिटर्न, जो पैसा इन्वेस्ट किया है वापिस पाने के लिए जो समय लगता होगा पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड को निकालने के कितने तरीके होते हैं? 2, इवन कैश फ्लो एंड अनइवन। हर साल पैसा सेम मिला तो क्या होगा? इवन कैश फ्लो। इन केस ऑफ इवन कैश फ्लो पे बैक का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो क्या फॉर्मूला है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। टेंशन मत लो, आगे इसके मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। और बताओ अगर अनइवन कैश फ्लो में हर साल कैश फ्लो अलग है, पे बैक पीरियड अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए बनाएंगे 3 कॉलम। कौन से? ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। बोलो कौन कौन से बेटा? ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। फिर क्यूमुलेटिव में चेक करने का 5 लाख वापिस मिल रहे क्या, तो हमें 5 लाख वापिस क्या मिल रहे बेटा? फोर्थ ईयर तक मिल रहे। कुछ लोग बोलते होंगे सर अगर ये 5 लाख सर 2 साल के बीच में आए तो क्या करेंगे? टेंशन मत लो, वैसा भी सब में लेने वाला हूं, बेटा सभी टाइप की वैरायटी में कर करूंगा, चलेगा? अब इतना समझा क्या? इट इज ऑल अबाउट पे बैक पीरियड। और देखिए बच्चों मुझे होता अगर आपके सामने
दो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, अगर आपके सामने दो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, अज्यूम करो आप दोनों में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो 10 लाख रुपए, दो प्रोजेक्ट है एक्स और वाई, दोनों बोल रहे हैं हमें इन्वेस्ट करो 10 लाख, हम कंफ्यूज है कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट एक्स का पे बैक पीरियड है 6 ईयर और प्रोजेक्ट वाई का पे बैक पीरियड है 8 ईयर्स। एक्स का कितना बेटा 6 ईयर, वाई कितना है 8 ईयर, तो आप बताओ बच्चों पैसा कहां पे इन्वेस्ट करोगे, एक्स में या वाई में, जल्दी बताओ एक्स में या वाई में, एक्स में, क्यों, कॉमन सेंस की बात है, जहां से पैसा क्या मिलेगा जल्दी, जहां से पैसा क्या मिलेगा जल्दी वहां पे क्या करेंगे इन्वेस्ट। तो कैन आई से दैट पे बैक पीरियड के लिए जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड क्या होगा कम, वो क्या हो गया बढ़िया। तो डिसीजन कैसे लेंगे बेटा, यहां पे ऑलवेज सिलेक्ट प्रोजेक्ट विथ लो पे बैक पीरियड, मतलब जब भी आपको डिसीजन बच्चों लेना होगा जिस बच्चों प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड क्या होगा कम होगा, जिससे पैसा क्या मिलेगा जल्दी मिलेगा, उसे आप लोग सिलेक्ट कीजिए। समझा क्या बेटा, तो यहां पे हमने क्या डिस्कस किया, डिसीजन क्राइटेरिया, किसको लेंगे बेटा डिसाइड, हम किसको लेंगे जिसका बच्चों पे बैक पीरियड क्या होता है कम होता है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। समझा क्या, यस और नो, इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पे बैक पीरियड। अभी जो बेटा मैंने बताया था वही यहां पे सब कुछ थ्योरी में दिया है। बाद में होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, बेटा बाद में डिस्कस करेंगे या अभी नहीं समझेगा बेटा। आगे कंसेप्ट है पे बैक रेसिप्रोकल, पे बैक रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, बेटा मुझे बताओ पे बैक पीरियड का बोला फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर सिंपली बताओ पे बैक रेसिप्रोकल, ये छोटे इजी वे बता रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है पे बैक पीरियड का उल्टा, मतलब वन अपॉन पे बैक पीरियड, हाउ टू फाइंड पे बैक रेसिप्रोकल वन अपॉन पे बैक पीरियड। जैसे बच्चों देखो इस वाले बड़े क्वेश्चन में देखना, यहां पर सेकंड एग्जांपल में पे बैक पीरियड था कितना 4 साल, कितना था बच्चों 4 साल, अगर आपको पूछा है पे बैक रेसिप्रोकल निकालो तो हाउ टू फाइंड पे बैक रेसिप्रोकल वन अपॉन पे बैक पीरियड, वन अपॉन पे बैक पीरियड, वन अपॉन 4 कितना आएगा 0.25, इट इज कॉल्ड एज पे बैक रेसिप्रोकल। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, यस और नो बेटा। अगला बेटा अपना कंसेप्ट है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग, कॉमन सेंस की बात है बेटा, जब भी कोई बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेसमैन कितने समय में पैसा वापस मिलेगा वो तो देखेगा, और साथ में क्या देखेगा किस रेट से उसे रिटर्न मिल रहा है। बच्चों कॉमन सेंस की बात है, अगर आप पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक में अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा तो बैंक कितना देगा आपको 4% इंटरेस्ट देगी, अगर पैसा अगर आपने एफडी में रखा तो इंटरेस्ट मिलेगा 6 से 7%। लेकिन अगर किसी अगर आपको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप एक्सपेक्टेशन क्या होगा, जितना इंटरेस्ट बैंक आपको दे रही है उससे ज्यादा मिलना चाहिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि आपको प्रोजेक्ट से ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल सकता है। समझा क्या, किसी भी प्रोजेक्ट से ऑन एन एवरेज जितना रिटर्न मिलेगा उसे बोलते हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कुछ लोग बोलेंगे सर व्हाई टू फाइंड एवरेज रेट, कॉमन सेंस की बात है बेटा, हो सकता है कि पहले साल आपको रिटर्न मिलेगा 10%, सेकंड ईयर मिलेगा 20%, थर्ड ईयर मिलेगा 15%, हर साल रिटर्न वेरी होता है बेटा, समझा क्या, हर साल बच्चों क्या होता है वेरी होता है, तो आपको देखना क्या पड़ेगा ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और आप देख सकते हो बेटा इसका फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला है, एक तो सबसे पहला बेटा फॉर्मूला क्या है, एआरआर का फॉर्मूला, इनिशियली कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, टेंशन मत लो मैं सबसे पूरा बताऊं अच्छे से बेटा, इनिशियली कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा, एवरेज रिटर्न अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन 200। कुछ लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बदले एवरेज इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं, मतलब क्या है ऑन एन एवरेज
कितना इन्वेस्ट किया है और ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा। समझा क्या बेटा? ऑन एन एवरेज कितना इन्वेस्ट किया है और ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा। यही तो अपना कौन होता बेटा? एआरआर। यस और नो बेटा? एआरआर का मतलब क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला है? एवरेज रिटर्न अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर एवरेज रिटर्न अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। हेवी हो रहा है क्या रे? दिमाग में जा रहा है क्या? बहुत चीज बता रहा हूं बेटा मैं। अभी काम करो यार, जिनको चाहिए होगा बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, चलेगा? फटाफट देखो, निकाल स्क्रीनशॉट बेटा इसका, जो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाए थे इसका निकाल बेटा, स्क्रीनशॉट निकालो फास्ट फास्ट। अभी हमने पढ़ाए पे बैक पीरियड, इसका निकाल स्क्रीनशॉट। हिव नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? चैप्टर बहुत क्रुशियल है, जिन्हें पहले पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लिक क्लिक डन। चलो बेटा आगे बढ़ते अभी, ठीक है? चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखे तो पूरा पार्ट समझेगा और एकदम दिमाग भी आपका ठंडा हो जाएगा। चलो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पढ़ा चलो अब देखो बेटा, अब यहां पे कहां फंसोगे? देखो क्वेश्चन बेटा आपके सामने, ध्यान से देखो मैं जो बताने जा रहा हूं। क्या बोले? दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। दो मशीन की इंफॉर्मेशन बेटा, मशीन ए और मशीन बी। मशीन मशीन ए में बेटा कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 56,125। और मशीन बी में बेटा कितना इन्वेस्ट किया? 50,125। दोनों मशीन का इनिशियल कॉस्ट सेम है, दोनों मशीन क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है सेम है। फिर दोनों मशीन का बेटा क्या दिया? नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्या दिया बच्चों? नेट इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिशन एंड टैक्स दिया, ये प्रॉफिट दिया बेटा आपको। दोनों बच्चों मशीन का लाइफ कितना बच्चों दिया? 5 साल। ओके okay, और हर साल का आपको प्रॉफिट दिया। हर मशीन का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 56,125 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इसका और एक नाम बेटा क्या होता है कि यहाँ पे आउटफ्लो भी हम लोग बोल देते हैं कि स्टार्टिंग पैसा देते ना बेटा, जब पैसा जा रहा है तो क्या बोलेंगे? आउटफ्लो। आ रहा है तो क्या है? इनफ्लो। और हर साल का क्या दिया? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिशन एंड टैक्स दिया। और आपको सबसे पहले क्या पूछा है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ए एंड बी। आपको निकालना है क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ट्राई करते अब देखो बच्चों, अगर आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, बेटा मशीन ए का मैं करके बताऊंगा, ठीक है ना? पहले देखो एआरआर बच्चों, मुझे बताओ मशीन ए का अगर मुझे निकाल एआरआर, पहले बताओ एआरआर में कितने फॉर्मूले है? दो। अब समझना, कुछ बोले से किससे करना है बेटा, समझना या भाई किससे करना चाहिए, उसे कोई भी फिक्स रूल नहीं है बेटा। आप एग्जाम में जो दोनों वे से करके देखिए और ऑप्शन में जो भी आपको सही लग रहा है उसको टिक मार कीजिए। कुछ उल्टा दिमाग ले बोले से दोनों दिया तो क्या करेंगे? नाला कैसे? कभी नहीं करेंगे। कोई तो एक तरीका ऑप्शन में दिया रहेगा उसको आप बस आप फॉलो कीजिए बेटा। ओके एआरआर बच्चों, मशीन ए का एआरआर में दो वे से करके बता रहा हूं। देखो बच्चों एआरआर का मैंने पहले फॉर्मूला क्या बताया था? काम करते, सॉरी ऐसे नहीं। देखो बेटा एआरआर को निकालने के दो फॉर्मूला थे बच्चों। पहला फॉर्मूला क्या था बताइए?
कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा, प्ले करते हैं। ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया बताओ, अच्छो मैं मशीन ए की बात कर रहा, बताओ मशीन ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया बताओ, 56,125। तो इनिशियल इन्वेस्ट कितना किया बच्चों, 56,125 इन्वेस्ट किया मशीन ए में। और हमें क्या देखना पड़े, कितना यहां पे सब दिया ना यार, टेबल तो कहीं लोड लेने का। ओके, मुझे एआर बच्चों निकालना है। ओके, यहां पे एआर दो वे से बेटा करने जा रहा हूं। देखो पहला मेरा वे क्या आंसर, एआर का वे कैसे करूंगा, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ऑन एन एवरेज कितना क्या मिलेगा रिटर्न। सबसे पहले बताओ बच्चों कितना पैसा इन्वेस्ट किया बेटा, 56,125, दोनों में क्या है सेम है। फिर मुझे क्या चाहिए, ऑन एन एवरेज कितना क्या मिला है रिटर्न। तो क्या मुझे बेटा हर साल का रिटर्न दिया है, क्या दिया है रिटर्न हर साल का बेटा, इसका मुझे निकालना है क्या है एवरेज, करना था बेटा एवरेज कैसे करेंगे, सबका एडिशन अपॉन 5। देखो ना बेटा फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्ट किया है, 3,375। चलो चलो कल सी निकलो फटाफट, सेकंड ईयर में कितना इन्वेस्ट किया है, 5,375। फिर कितना इन्वेस्ट किया है, 7,375। फिर कितना इन्वेस्ट किया है, 9,375। फिर कितना इन्वेस्ट किया है, 11,375। हर साल जितना इन्वेस्ट किया ना उसका क्या निकालेंगे एवरेज। हाउ टू फाइंड एवरेज, सबका एडिशन अपॉन 5, सबका एडिशन अपॉन 5। चलो बेटा चलो कल सी बोलो सबका सम कितना रहा बताओ बच्चों, 36 कितना रहा है, 875 डिवाइडेड बाय 5 कितना रहा है, 7,375। समझा क्या रहा बेटा, हा या ना बच्चों, एआरआई के लिए हमने क्या किया, सबको झेप रहा है एआरआई के लिए क्या किया बेटा, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 56,125 लिखा बेटा। और हमें क्या किया, ऑन एन एवरेज कितना क्या मिला रिटर्न, हाउ टू फाइंड एवरेज, सबका एडिशन अपॉन 5। अब निकालो एआरआर, क्या फॉर्मूला है, एवरेज रिटर्न अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू क्या होगा 100। एवरेज रिटर्न अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कितना रहा बताओ बच्चों, 13. कितना आ रहा है, 14%, 13.14%। सबको झेप रहा क्या बेटा, यही तो अपना कोने एआरआर है, सब इससे कंफर्टेबल है। चलो बेटा मिल गया आपको एआरआर बाय फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब यही बेटा एआरआर अगर और एक फेज से करना है, दूसरा मैंने क्या बताया फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या था उसमें, ऊपर तो रिटर्न सेम ही एवरेज, और नीचे कोने बच्चों बताया क्या, नीचे कोने हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट है, नीचे कोने बेटा एवरेज इन्वेस्टमेंट है, ऊपर का एवरेज रिटर्न सेम है और नीचे कोने एवरेज इन्वेस्टमेंट। हाउ टू फाइंड एवरेज इन्वेस्टमेंट मैं यहां पे बता रहा बेटा, हाउ टू फाइंड एवरेज इन्वेस्टमेंट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। हाउ टू फाइंड एवरेज इन्वेस्टमेंट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया है, 56,125। समझा क्या बेटा, हाउ टू फाइंड एवरेज इन्वेस्टमेंट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया है 56,125 और लास्ट में कितना है जीरो ना बेटा, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया है 56,125 और लास्ट में कितना है जीरो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू करो बेटा, 56,125 प्लस जीरो डिवाइडेड बाय टू कितना क्या बताओ, 28,062 बोलो या 063 राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा। तो सेकंड बच्चों फॉर्मूला में ऊपर तो एवरेज रिटर्न सेम है और नीचे को ने एवरेज इन्वेस्टमेंट है। समझा क्या डिफरेंस बेटा, हाउ टू फाइंड एवरेज इन्वेस्टमेंट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। तो बेटा आंसर कितना आएगा शायद से, मुझे लगता है कि ऊपर कितना रहा अपना, हाँ 7,375 ना बेटा, 7,375 डिवाइडेड बाय 28,063, 7,375 डिवाइडेड बाय 28,063 तो नियरली कितना बच्चा आ रहा है देखो समझना, 26.28% आ रहा है अपना आंसर। सबको झेपा क्या बेटा, इट इज ऑल अबाउट एआरआर, सब इससे कंफर्टेबल है, हा या ना ये ऊपर जा रहा है बेटा। बेटा मुझे होता है एआरआर को निकालने के लिए बताओ कितने, मैंने बताया फॉर्मूला दो, बोले पहला फॉर्मूला क्या है एवरेज रिटर्न अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200, दूसरा बच्चों फॉर्मूला बताओ क्या होता है एवरेज रिटर्न अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये अगर आपको समझा होगा आप नेक्स्ट सम पढ़ेंगे बेटे, क्योंकि सम का ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ओके
देखो बच्चों स्टार्टिंग में थोड़ा मैं स्लो चलूंगा, एक बार ग्रिप आ गया थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, चलेगा क्या? अगर आपको लगता है कि सर और फास्ट जाना चाहिए बिंदास मुझे बोल दीजिए, मैं स्पीड चेंज कर दूंगा, बिंदास बोलिए बेटा, इससे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर डिफिकल्ट इसके लिए मैं एकदम आराम से ले रहा हूं। नेक्स्ट देखो क्या चाहिए बेटा, विच मशीन इज बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पे बैक पीरियड, क्या बोला है? पे बैक के हिसाब से कौन सा मशीन क्या होगा बेटर, कॉमन सेंस की बात है, जिसका पे बैक पीरियड क्या होगा कम, वो मशीन क्या होगी बेटा बेटर। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पे बैक पीरियड। अब बताओ पे बैक पीरियड का मतलब क्या है, जितना पैसा इन्वेस्ट किया, जितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, 56,125 वापिस मिलना चाहिए। अब देखो मुझे पहले बताओ ये सम किसका है, इवन कैश फ्लो या अनइवन कैश फ्लो, हर साल कैश फ्लो सेम मिल रहा है अलग अलग? यस बेटा, हर साल क्या मिल रहा है अलग अलग। कहां से पता चला? सर टेबल में दिया ना, नालायक बोलो टेबल में क्या दिया, कैश फ्लो दिए ना। अब यहां पे थोड़ा सा फंसेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, एआरआर में क्या चाहिए था, ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा, रिटर्न का मतलब क्या होता है प्रॉफिट। एआरआर क्या बोलता है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। एआरआर को मांगता है प्रॉफिट, और पेबैक के लिए क्या चाहिए, कितने समय में पैसा वापस मिलेगा, पैसा मतलब क्या है कैश फ्लो। एआरआर में क्या चाहिए प्रॉफिट, और यहां पे मुझे बताओ एआर में क्या चाहिए बेटा, प्रॉफिट चाहिए, और बेटा मुझे बताओ कि यहां पे पेबैक में क्या चाहिए, कैश फ्लो। सर क्या दोनों अलग होते हैं? हाँ भाई बेटा, प्रॉफिट अलग होता है और कैश फ्लो अलग होता है, दोनों सेम होते हैं क्या? बोले सर पता नहीं सर, छोटा एग्जांपल लेते हैं हम, पहले समझ के लेते कि कैश फ्लो और प्रॉफिट में क्या फर्क है। ओके चलो एक काम करते हैं, देखो मैं इसे अज्यूम कर रहा हूं आपको बिल्कुल कंसेप्ट नहीं पता है, चलेगा ना बेटा? ओके इतना बेसिक से ले रहा हूं। देखो अब मुझे प्रॉफिट, आपको पता प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकम से लेस करो एक्सपेंस, प्रॉफिट है। अज्यूम करो एक दुकानदार है ना, एक बच्चों दुकानदार ने 1,000 रुपए का सेल किया, उसे प्रॉफिट निकाला है, सेल में से सारे खर्चे क्या करोगे लेस। अज्यूम कर बेटा पहला उसका खर्चा है मटेरियल, मटेरियल का खर्चा है 400 रुपए, सेकंड उसका खर्चा है वेजेस मतलब सैलरी, वो खर्चा है 200 रुपए, तीसरा बेटा खर्चा है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए खर्चा है 150, उसके मशीन का डेप्रिसिएशन होगा बेटा। सेल में से लेस करो सारे खर्चे तो क्या मिलेगा प्रॉफिट, सेल में से लेस करो कॉस्ट तो क्या मिलेगा प्रॉफिट। तो बता बच्चों उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 250। अब बस एक मिनट है, सोचो समझो मुझे आंसर दो बेटा, सोच के बताओ कि यहां पे क्या दुकान, इस मुझे इस एग्जांपल में दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ और कितना कैश मिला, कितना कैश फ्लो हुआ, कितना प्रॉफिट मिला और कितना कैश फ्लो हुआ, सोचो आराम से। चलिए सोचा आ रहा है, देखो मैंने सेल में से कॉस्ट बच्चों लेस किए,
मैंने क्या किया बच्चों, देखना सेल में से मैंने कॉस्ट लेस किया ना बेटा, सेल में से कॉस्ट लेस किया, मुझे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। मेरा सवाल क्या आता है, प्रॉफिट कितना, कैश फ्लो कितना है, क्या जितना प्रॉफिट मिला उतना ही कैश मिलेगा या उससे ज्यादा है फिर कम, देखते हैं आंसर। देखो प्रॉफिट का मतलब क्या है, इनकम से लेस कर एक्सपेंस, इनकम से, तो इस इनकम में से 1000 के इनकम में से सारे खर्चे लेस किए तो प्रॉफिट तो 250 आ रहा है मेरा, बट क्या चेक करते उतना ही पैसा मेरे हाथ में आ रहा है क्या। अब देखो सेल करने से पैसा आएगा या जाएगा, आएगा बेटा, तो प्लस लिखता हूं मैं, सेल से पैसा आएगा। मटर के लिए पैसा देना पड़ेगा तो माइनस करूं आउटफ्लो, सेल से पैसा आएगा तो क्या होगा इनफ्लो, मटर के लिए पैसा देना पड़ेगा तो क्या होगा आउटफ्लो, वेजेस के लिए पैसा देना पड़ेगा तो क्या हो गया आउटफ्लो, मटर के लिए पैसा देना पड़ेगा तो क्या होगा आउटफ्लो, वेजेस के लिए पैसा देना पड़ेगा क्या होगा आउटफ्लो। अब बताओ डेप्रिसिएशन के लिए पैसा आएगा या जाएगा, बोलो बोलो बच्चों। बेटा डेप्रिसिएशन के लिए ना पैसा आएगा ना जाएगा, वो नॉन कैश आइटम है ना। जब मैं बोलता हूं कि मशीन पे 150 का डेप्रिसिएशन लगा, किसको पैसा दिया क्या मैंने, किसी पैसा लिया क्या, तो डेप्रिसिएशन में ना पैसा आता है ना जाता है, तो कैश फ्लो कितना हो गया जीरो, कोई कैश का फ्लो नहीं, डेप्रिसिएशन खर्चा ऑन पेपर पर उससे ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, तो कैश फ्लो कितना हो गया बेटा जीरो। तो क्या नहीं से बेटा नेट कैश फ्लो कितना हो गया 400। समझा क्या बेटा। अब मुझे था बच्चों सेल से पैसा आया कितना बेटा 1000, सेल से पैसा आया कितना बेटा 1000 और खर्चा कितना बेटा 600, सेल से पैसा आया कितना बेटा 1000 और खर्चा हुआ कितना बेटा 600। अब बताओ नेट कैश फ्लो कितना हो रहा बेटा 400, बता बच्चों नेट कैश फ्लो कितना हो रहा है 400। तो कहने का मतलब क्या, प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों सेम नहीं है। अब बताओ ज्यादा कौन है, प्रॉफिट या कैश फ्लो, प्रॉफिट या कैश फ्लो, कॉमन सी बात है, ज्यादा कौन है बेटा कैश फ्लो, क्योंकि प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट निकालते हो डेप्रिसिएशन लेस किया था, प्रॉफिट निकालते हो डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा लेस किया था, बट कैश फ्लो के वक्त डेप्रिसिएशन के लिए पैसा गया च नहीं था तो कैश कम नहीं हुआ है। समझा क्या बेटा, कोई पूछेगा प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या अंतर है, तो बोलेंगे साहब प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या अंतर है, डेप्रिसिएशन का। समझा क्या, अगर कोई बोलेगा प्रॉफिट से कैश फ्लो निकालो तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालते हो डेप्रिसिएशन क्या क्या आता है लेस, प्रॉफिट निकालते हो डेप्रिसिएशन क्या क्या आता है लेस, तो कैश फ्लो निकालने के लिए जो डेप्रिसिएशन पहले क्या क्या आता है लेस, अब उसको एड बैक करना पड़ेगा। समझा क्या बेटा, प्रॉफिट निकालते हो डेप्रिसिएशन लेस किया था बट डेप्रिसिएशन से पैसा जाता नहीं है, इसके लिए कैश फ्लो निकालने के डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा कैश फ्लो। समझा क्या, यस और नो, तो प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या अंतर है बता बच्चों, प्रॉफिट में एड करो डेप्रिसिएशन क्या मिलता है कैश फ्लो, उसका उल्टा कैश फ्लो से लेस करो डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा प्रॉफिट। याद रहेगा जब एग्जाम एमसीक्यू आएगा, पहले चेक करो, आपको फंसाएंगे आपको, पहले चेक करो यहां पे डेप्रिसिएशन दिया फिर कैश फ्लो दिया, डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट ऐड, सॉरी प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड करो तो क्या मिलेगा कैश फ्लो। समझा क्या, छोटा कौन होता है प्रॉफिट, बड़ा कौन होता है कैश फ्लो, प्रॉफिट में ऐड करो डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा कैश फ्लो, उसका उल्टा कैश फ्लो से लेस करो डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा कैश प्रॉफिट। छिपा क्या, यस और नो, ये अगर आपको समझाओगा बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब बता बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट इनकम का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट दिया है, वो प्रॉफिट भी आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस किया ना बेटा, प्रॉफिट कैसा होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन मुझे होता एआरआर में तो प्रॉफिट ठीक था, एआरआर में क्या चाहिए प्रॉफिट, बट पे बैक पीरियड के लिए क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए या कैश फ्लो, बोलो बच्चों पे बैक के लिए क्या चाहिए कैश फ्लो, बट आपको दिया क्या है प्रॉफिट, ये टेबल में क्या दिए प्रॉफिट। हाउ टू फाइंड कैश फ्लो, प्रॉफिट में ऐड करो डेप्रिसिएशन तो क्या मिलेगा कैश फ्लो। झेपा क्या, यस और नो, अब इस क्वेश्चन के लिए काम करेंगे, हमको निकालना है क्या, वाई टू फाइंड पे बैक पीरियड, बच्चों पे बैक पीरियड मशीन ए का निकालना है, ध्यान सुना बेटा, मुझे बताओ जब भी समय था पे बैक पीरियड का, अब बताओ पे बैक के समय मैंने पहले बताया इस क्वेश्चन में कैश फ्लो हर साल सेम है अलग अलग है, अलग अलग है, तो सम किसका बेटा अनइवन कैश फ्लो, बता बच्चों अनइवन कैश फ्लो के सम में पे बैक पीरियड के लिए कितने कॉलम बनाएंगे, तीन, याद आ रहा है क्या, बोलो कौन कौन से, ईयर,
कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, बोलो कौन कौन से, ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। बट दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो दिया है या प्रॉफिट दिया है? बच्चों क्या दिया है, प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट से कैश फ्लो निकालेंगे फिर करेंगे क्यूमुलेटिव। समझा क्या बेटा, बोलो हर साल का प्रॉफिट दिया है क्या, कितना दिया है, 3375, 5375, 7375, 9375 और 11375। ये प्रॉफिट दिया है, इसमें क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन। हाउ टू फाइंड डेप्रिसिएशन, पता है क्या बच्चों आप लोगों को, मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, बोलो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, पता है क्या, SLM मेथड। बोलो चलो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट, कितना कॉस्ट था, 56125 माइनस बेटा स्क्रैप वैल्यू कितना है, जीरो कुछ दिया है क्या, नहीं है, अपॉन लाइफ कितना है, 5। करो बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ कितना रहा बता बच्चों, 11225। आ रहा है डेप्रिसिएशन, अब बता मुझे कैन आई फाइंड कैश फ्लो, बोलो कैसे करेंगे बेटा, प्रॉफिट में ऐड करो डेप्रिसिएशन, क्या करेंगे बच्चों, प्रॉफिट में ऐड करो डेप्रिसिएशन, कैन आई फाइंड कैश फ्लो, ट्राई करते हैं, प्रॉफिट में ऐड करो डेप्रिसिएशन। देखो बच्चों हर साल का प्रॉफिट दिया है उसमें ऐड करो डेप्रिसिएशन, चलो फटा कितना आ रहा है, 14600, चला कल से आगे कितना आएगा, 16600, फिर बोलो 18600, फिर 20600, फिर कितना आ रहा है बच्चों, 22600, चेक करके देखो, इतना भरोसा मत रखना, मैं कभी गलत भी सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, हाँ इसे सॉल्व करने का बेटा, बहुत डेंजर हूं मैं, कभी कुछ भी करता हूं। चलो हमें निकालना क्या था, पे बैक पीरियड, बताओ बच्चों पे बैक के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट या कैश फ्लो, प्रॉफिट ना, बोलो बोलो क्या चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, पे बैक के लिए क्या चाहिए बेटा, कैश फ्लो। अब बताओ समय कैश फ्लो दिया था ना, समय क्या दिया था, प्रॉफिट, प्रॉफिट से कैश फ्लो कैसे निकाला, प्रॉफिट में ऐड किया डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट में ऐड किया डेप्रिसिएशन, उससे मिला कैश फ्लो। एक बार कैश फ्लो मिला आप कर पाएंगे क्या, बोलो पे बैक के समय कितने कॉलम होते हैं, 3, भूलना मत, कौन कौन से, ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, रात को नींद से भी उठ के पूछा बताने को आना चाहिए बेटा, बोलो कितने कॉलम होते हैं, 3, कौन कौन से, ईयर कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव, कीप ऑन एडिंग फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, टॉप टू बॉटम ऐड करूं क्या रे, बोलो 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 कितना आएगा, 31200, फिर यहां पे ऐड करो 49800, चेक करो बेटा कभी गड़बड़ करता हूं मैं, फिर ऐड करो कितना आएगा, 70400, और बाद में कितना आएगा बेटा बताओ, 93000, ठीक है पक्का, चलो सही किया मैंने, ठीक है ना, चलो मिला क्या चीज बेटा, ये क्या निकला क्यूमुलेटिव, हमें निकालना क्या था, पे बैक पीरियड, पे बैक का मतलब क्या है, जो पैसा इन्वेस्ट किया वापस मिलना चाहिए। बता बच्चों कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 56125, अब चेक करते चलते क्या 56125 वापिस कब मिल रहे, बता बच्चों हमें कितने पैसे चाहिए थे, 56125, चलो बताओ फर्स्ट ईयर तक कितने मिले, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बोलो चो फर्स्ट ईयर तक कितने मिले, 14600, 5125 मिला है क्या, नहीं, सेकंड ईयर तक कितना मिला है, 31200 मिला है, 5125 नहीं, थर्ड ईयर तक कितना मिला है, 14800 मिला है क्या, नहीं, अब बताओ फोर्थ ईयर तक कितना मिला है, 70400, 56120 मिले क्या, हाँ, आप बोलोगे सर वो मिल चुके ना, मिलके आगे भी गए हम लोग, सर चाहिए कितने थे, 56125, हम कहां तक पहुंच गए, 70400 तक पहुंच गए, समझा क्या रे बेटा, हमें चाहिए कितने थे, 56125, हम पहुंच कहां पे गए, 70400, मतलब कहीं नहीं कहीं बेटा 56125 ये थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में मिल चुके ना, थर्ड ईयर तक कितना मिला है, 49800, फोर्थ ईयर तक कितना मिला है, 17400, 56125, इन दोनों के बीच में कई तो मिल चुके, अब इन दोनों के बीच में कौन सा,
एग्जैक्टली कब मिलाकर ये निकालना है उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको इंटरपोलेशन टेक्निक। ध्यान से बेटा सुना जो बताने जा रहा हूं, ये समझा कर बेटा हमें क्या चाहिए था, जो पैसा इन्वेस्ट किया है वापिस कब मिलेगा। अब उसके लिए मैं कैसे करूंगा, देखो कैलकुलेशन देखो, जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा, देखो जो जो बच्चे मुझसे रेगुलर पढ़ चुके हैं उनको सब कुछ पता है यार, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए बेटा पढ़ा रहा हूं। ओके कि समझ जाना बच्चों, देखो यहां पर देखो बच्चों, अपने लिए सिर्फ बच्चों देखो, यहाँ पे लाइव के बच्चे पेन ड्राइव उनके बेटा साथ में, जो बच्चे यूट्यूब से मुझसे जुड़ चुके, जो यूट्यूब फैमिली वो भी उतने बड़े इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आना चाहिए, ये मेरा फर्ज है, चलेगा बेटा। ओके तो यहां पर मैं पूरा बेसिक से पूरा बता रहा हूं, हम रेगुलर क्लास में इससे भी और डेफ्थ में बहुत स्लो पढ़ते हैं, बट अभी रिविजन में मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं समझ में आना चाहिए। आई होप कंसेप्ट बेटा क्लियर है, प्लीज आप मुझे आपका फीडबैक दीजिए, मुझे पता चलेगा कैसे लग रहा है बेटा आपको, ठीक है। चलो ईयर और कैश फ्लो, थर्ड ईयर एक काम करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सॉरी ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे बताओ हमें चाहिए कितने थे, 56,125। आप बताओ थर्ड ईयर तक कितने मिले, 49,800। फिर बताओ फोर्थ ईयर तक कितने मिले, 70,400। फिर से बताओ थर्ड ईयर तक कितने मिले, 49,800। फोर्थ ईयर तक कितने मिले, 70,400। आप बताओ हमको चाहिए कितना था, 56,125। ये तो क्लियर है 56,125 तीन और चार साल के बीच में कहीं तो मिले, बट एग्जैक्टली कब मिले हमको निकाला बेटा, एग्जैक्टली कब मिले हमको निकाला। अगर एग्जैक्टली कब मिले अगर हमको निकालना है तो काम करते, सुनो बेटा कैसे करेंगे उसके लिए को, प्लीज सुनो अच्छे से, जिनको नहीं पता है मैं को टेबल बनाऊंगा, चेंज इन ईयर एंड चेंज इन कैश फ्लो, चेंज इन ईयर एंड चेंज इन कैश फ्लो। आप बताओ जब हम लोग तीन से लेकर चार साल गए, जब हम तीन से लेकर चार मतलब जो ईयर में जब एक साल का बदलाव हुआ, ईयर में जब एक साल का सॉरी ईयर जब तीन का चार हुआ, तो बताओ कैश फ्लो कितने का कितना हो गया, 49,800 कितना हो गया, 70,400। हम खड़े कहां पे थे, 14,800 के ऊपर, हम पहुंचे कहां पे बेटा, 70,400 के ऊपर। बता बच्चों कितना फर्क आया, चलो कैलसी सब लोग मेरे साथ कैलकुलेशन करेंगे कंसेप्ट क्लियर, कितना बेटा 20,600। तो क्या ना इसे तीन से का चार मतलब क्या, एक साल में 20,600 से कैश अपना बढ़ा, समझा क्या, यस और नो, इसका मतलब क्या, 49,800 से लेकर 70,400 मतलब 20,600 से 20,600 से कैश बढ़ाने के लिए एक साल लगा। लेकिन मुझे बताओ हमें एक्चुअल में 49,800 से जाना कहां तक था, बेटा मुझे बताओ हमें एक्चुअल में 14,800 से जाना कहां तक था, 56,125 यस और नो, बेटा हमें 49,800 से लेकर जाना कहां तक था, 56,125। तो बता बच्चों हमें कितना आगे जाना था, चलो डिफरेंस निकालो फटाफट, बोलो कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, आई थिंक 6,325 आ रहा है क्या, पक्का करो 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 करके देखो। फिर से बता रहा हूं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ाया, थर्ड ईयर के एंड तक कितना मिला था, 14,800। फोर्थ ईयर एंड तक कितना मिला, 70,400। इससे मैं दिमाग क्या लगा, 49,800 से लेकर 70,400 मतलब क्या है, 20,600 से कैश फ्लो बढ़ाने के लिए हमें एक साल लगता है। हमें पता चला हमें एक्चुअल में 70,400 तक जाना च नहीं है, हमें जाना कहां तक है, 56,125। हम खड़े कहां पे थे, 49,800 पे, हमें जाना कहां तक था, 51,125। हमें एक्चुअल में कैश फ्लो कितने से बढ़ाना था, 6,325। तो अब बता बच्चों 20,600 का अगर पूरा कैश फ्लो बढ़ाने के लिए एक साल लगता है, 20,600 का पूरा कैश फ्लो बढ़ाने के लिए अगर एक साल लगता है, तो 6,325 का कैश फ्लो बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा, समझा क्या, हा या ना, 20,600 से कैश फ्लो बढ़ाने के लिए अगर एक साल लगता है, तो 6,325 से कैश फ्लो बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा, कैसे करेंगे बता बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, चला कैलसी 6,325 into 1 डिवाइडेड बाय
ये समझा कर बेटा 6325 सॉरी 20,600 से कैश फ्लो बढ़ाने के लिए अगर एक साल लगता है बेटा तो 6325 के लिए कितना करोड़ है? 6325 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 20,600 कितना आ गया बेटा? 0.3070 आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि 49,800 से लेकर 56,125 मतलब 6325 से कैश फ्लो बढ़ाने के लिए 0.30 ईयर लगते हैं। आप बताओ हम ऑलरेडी खड़े कहां पे थे? थर्ड ईयर पे। हम खड़े कहां पे थे? थर्ड ईयर। अब बताओ हमें थर्ड ईयर से कितना आगे जाना पड़ेगा? 0.3070 इतना आगे जाना पड़ेगा। तो यही तो मेरा कौन है? पे बैक पीरियड है। समझा क्या बेटा? हा या ना? सब इससे कंफर्टेबल है क्या जिन्हें पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मतलब पे बैक का मतलब क्या था? कितने समय में पैसा क्या मिलेगा वापिस? हमने क्या देखा? 20,600 का पूरा कैश फ्लो बढ़ने के लिए अगर एक साल लगता है तो 6325 से कैश फ्लो बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा? और 0.30 ईयर। हम ऑलरेडी थर्ड ईयर पे खड़े थे, हमें और जाना पड़ेगा 0.30 ईयर। तो कितने साल पैसा वापिस मिलेगा? 3.3070 ईयर में। ये मेरा पे बैक पीरियड है। समझा क्या बेटा? हा या ना? कितना मिला? 3.3070 ईयर। कुछ बार बेटा एग्जाम में क्या करेंगे, पे बैक पीरियड ईयर के बदलेंगे मंथ और ईयर में देंगे। अगर इसे मंथ में करना है तो देखो कैसे करूंगा, 3 ईयर एंड 0.3070 ईयर। ओके, ये मेरे पे बैक पीरियड ईयर में। मंथ में करना है, 3 साल ऐसे रखो बेटा। अगर मुझे 0.3070 ईयर का मंथ करना है, अब बताओ एक साल में कितने महीने होते? 12। तो 0.3070 ईयर का मंथ करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करूं क्या? यस और नो बेटा? इसको इंटू करो 12 को। समझा मैं क्या करो बेटा? 0.3070 ईयर मतलब कितने महीने, तो इसको इंटू क्या किया? 12। कितना रहा बेटा? 3.68 आ रहा है क्या? उसको नियरली 4 बोलो चलेगा क्या? इसका मतलब बच्चों पे बैक पीरियड कितना हो गया? 3 साल और 4 महीने। कितना बच्चों? 3 साल और 4 महीने। समझा क्या? तो पे बैक पीरियड 3.3070 ईयर बोलो या 3 साल और 4 महीने, मीनिंग क्या होता है? सेम 0.3070 ईयर का मंथ करने के लिए 12 से क्या क्या मल्टीप्लाई किया। तो ऑप्शन में अगर ईयर में दिया है तो ये वाला देखो, और बच्चों मंथ वाला दिया तो ये वाला देखो। झेपा क्या? प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बेटा आपको कितना समझ में आ रहा है, प्लीज समय बताइए। देखो बच्चों चैट बॉक्स सारा पढ़ना मेरे पॉसिबल नहीं है, पर कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे पता चलेगा, और साथ में इंस्टा पे मुझे अपने बताए तो भी चलेगा, प्लीज बताइए, उसे में आइडिया आएगा। ओके, सबको झिपा के, इट इज ऑल अबाउट पे बैक पीरियड। ठीक है, चलो बेटा अब देखो फटाफट आगे बढ़ते, फास्ट थोड़ा स्पीड बढ़ाते, आयो सबको बेटा समझा होगा। ओके, और इसका चाहिए तो काम करो यार, ये जो पीडीएफ फाइल जो लिखा है ना मैंने बताया कि एक काम करे बेटा, जो लिखा हुआ है उसका बेटा पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं आपके पास शेयर करता हूँ। ओके, अभी कमेंट बॉक्स में क्या करता हूँ, ये लिखा हुआ पीडीएफ फाइल आज मैं शेयर करता हूँ बेटा, चलेगा क्या? जिससे क्या होगा, टेंशन नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्रिंट आउट निकालना सब तो पॉसिबल नहीं बेटा, इसके लिए डायरेक्टली आपके पास रेडीमेड पीडीएफ रहेगा। चलो पार्ट बी हो गया, पार्ट सी में दिया बच्चों, पार्ट सी में क्या बोला है? एआरआर पूछा बेटा। ओके, और उसके लिए क्या, एक बार पढ़ लो फटाफट, शॉर्ट बता रहा हूं आपको। कैलकुलेट एआरआर व्हेन सैल्वेज का मतलब बच्चों क्या आता है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन ए टर्न आउट टू बी 3000। मशीन ए का स्क्रैप वैल्यू दिया मतलब क्या है, मशीन ए का लाइफ खत्म होने के बाद कितने मिल रहे बेटा? 3000 स्क्रैप वैल्यू दिए, और मशीन बी का स्क्रैप वैल्यू 0 है। ठीक, एआरआर पूछा। देखो बच्चों यहां पर लिख रहा पॉइंट नंबर 3, फिर से पॉइंट नंबर 3 का सी का एआरआर। देखो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था एआरआर में 2 फॉर्मूले थे, एवरेज रिटर्न अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा एवरेज रिटर्न अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। जब भी सब में दिया होगा स्क्रैप वैल्यू, जब भी सब में दिया होगा स्क्रैप, स्क्रैप मतलब सैलवेज वैल्यू, मशीन का लाइफ खत्म होना जो पैसा मिलता है, जब भी सब में दिया होगा स्क्रैप वैल्यू, ऑलवेज अप्लाई सेकंड वाला फॉर्मूला। स्क्रैप वैल्यू में देखिए एआरआर का फॉर्मूला होगा एवरेज रिटर्न अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज रिटर्न अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 200। एवरेज रिटर्न तो आपको निकालना था, आप बताओ एआरआर के लिए क्या चाहिए, कैश फ्लो या प्रॉफिट? क्या चाहिए बेटा? प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट दिया ना, दिया ना ये सब,
3375 5375 अप टू 11375 दिया ना, सबका एडिशन अपॉन 5 कितना आता है 7375। देखो बच्चों यहां पे देखो बच्चों एवरेज रिटर्न तो आपको पता ही करना आता है, मुझे क्या चाहिए पता है क्या, और एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये कैसे करेंगे, मैंने पहले बताया हाउ टू फाइंड एवरेज इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अमाउंट। कैसे करें बच्चों, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अमाउंट। अब बताओ मशीन ए में स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया है 56125, क्लोजिंग मतलब एंड में क्या मिलेगा, क्लोजिंग मतलब एंड में क्या मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू। बट स्क्रैप वैल्यू पैसा जा रहा है आ रहा है वो इनफ्लो है, बट 56125 में पैसा इन्वेस्ट किया है वो आउटफ्लो है, और स्क्रैप वैल्यू पैसा आ रहा है। अगर आउटफ्लो का साइन अगर प्लस दिया तो इनफ्लो का साइन क्या होगा, माइनस। झेपा क्या बेटा, हाउ टू फाइंड एआरआर, एवरेज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कितना क्या है 56125, क्लोजिंग मतलब एंड में कितना मिल रहा है 3000, एंड में पैसा जा रहा है आ रहा है आ रहा है, तो उसे माइनस बोले चलेगा, तो जाने वाले को प्लस किया तो आने वाले को माइनस करते टाइम बीइंग के लिए। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, समझा क्या बेटा, कितना बताओ अच्छो 26 कितना आ रहा है 563 आ रहा है बेटा पक्का। ये क्या निकला अपना एवरेज इन्वेस्टमेंट, नाउ कैन यू फाइंड एआरआर, कर पाएंगे बेटा, टाइम पास कर लो बेटा, छिपा कर बेटा पक्का। इससे हमने क्या सीखा, स्क्रैप वैल्यू के बेटा सम में, स्क्रैप वैल्यू के सम में एआरआर के लिए कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड बेटा फॉर्मूला। और हाउ टू फाइंड एवरेज इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। ओपनिंग मतलब जो इन्वेस्ट किया, क्लोजिंग मतलब स्क्रैप वैल्यू, साइन क्या देंगे बेटा माइनस अपॉन टू, उससे क्या मिलेगा हमको एआरआर। समझा क्या, यस और नो, पक्का? चलो इट इज एंड ऑफ द क्वेश्चन वन। ओके जिनका चाहिए होगा बस फोटो क्लिक कर लो बेटा इसका, क्लिक क्लिक क्लिक, डन हो गया। ये तो आई थिंक क्लिक किया था ना आपने, ये किया था ना, पेबैक का शायद से बाकी था, पेबैक कर लो, क्लिक कर लो। ठीक है ये सब आराम से क्लिक कर लो, लिखते बेटा आराम से आप लोग थोड़ा सा, और यार सबकी प्रैक्टिस करो, कि अभी मैं बोलता घर में बैठे हो ना, टाइम है तो प्लीज प्रैक्टिस कर लो बेटा इसकी। चलो यार ये हो गया, अब इसका देखो अगले बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट बताने चाहिए, हमें पढ़ना पड़ेगा एनपीवी का कंसेप्ट। एक काम करते हैं, एक दो मिनट का छोटा सा बच्चों ब्रेक लेते हैं, पर ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करें, चलेगा तो दिमाग में ठंडा हो जाएगा आपका। चलो एक दो मिनट का ब्रेक लेते हैं।
हेलो साउंड ओके, चलो बेटा चलो सब रेडी है ओके। अब देखो बच्चों अभी फटाफट देखे सबको अभी पे बैक पीरियड समझा बेटा आपने को। अब देखो हमने अभी पे बैक पीरियड ए आर आर दो कंसेप्ट पढ़े। अब बच्चों देखो अभी एक स्ट्रोक में देखे अभी हमको एनपीवी, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, प्रॉफिट इंडेक्स, पोस्ट पे बैक पीरियड, ये सब बातें हमको पढ़नी है। चलो बेटा अभी फटाफट अभी देखिए क्वेश्चन नंबर टू। बच्चों मुझे लगता है एनपीवी का शायद से मीनिंग बेटा पता होगा आपको, राइट ना। मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन एनपीवी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कंसेप्ट बताऊंगा बेटा, क्योंकि अगर एनपीवी समझना है बहुत डेफ में कंसेप्ट है। रेगुलर बेटा क्लास में ऑलमोस्ट एक घंटे इस पर डिस्कशन करता हूं, मैं शॉर्ट में आपको मीनिंग बता दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर टू को एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू को पढ़ो बेटा फटाफट। चलो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं सारे कंसेप्ट बता दूंगा। चलो पढ़ा बेटा अपने क्वेश्चन। देख क्वेश्चन में क्या बोला है, दो मशीन दिए, अ कंपनी इज कंटेम्प्लेटिंग टू परचेस अ मशीन। मतलब दो मशीन का ऑप्शन है और कंपनी सोच रही है कि दोनों में से कौन सा मशीन परचेस करना चाहिए। कंपनी यहां पे सोच रही है, दो मशीन का ऑप्शन है, मशीन ए और मशीन बी। दोनों का कॉस्ट कितना बेटा 5, दोनों का कॉस्ट मतलब क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है सेम है, कितना है 5 लाख रुपए। और यहां पर डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है 10%, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो, ओके, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप लोग बोल सकते हो। और हर मशीन का एनुअल कैश फ्लो है बच्चों, दोनों बच्चों मशीन का लाइफ कितना दिया है 5 साल, लाइफ कितना दिया है 5 साल। आप बताओ ये बेटा टेबल में क्या दिया है, कैश फ्लो दिया है प्रॉफिट, क्या दिया बेटा कैश फ्लो। देखो यार सब में सबसे पहले क्या पूछा है, पे बैक पीरियड कर लेंगे बेटा। मुझे बताओ पे बैक पीरियड के लिए कितने कॉलम बनाएंगे, 3, ईयर कैश फ्लो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, आपको सब में दिया क्या है कैश फ्लो, कर पाएंगे क्या। और जो 5 लाख इन्वेस्ट किया 5 लाख किस दो समय के बीच में, उससे पे बैक पीरियड निकाल लीजिए। हमें लास्ट सेम में क्या था वैसे आप लोग सॉल्व कीजिए, पे बैक में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों मुझे इस क्वेश्चन के लिए एनपीवी निकालना है। व्हाट इज एनपीवी, एनपीवी का लॉन्ग फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या, एनपीवी को मैं ब्रेक करूंगा दो पार्ट में, नेट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। अज्यूम करो मुझे एक जगह पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा आपको, मैं कंफ्यूज हूं पैसा इन्वेस्ट करो या फिर ना करो, आप मुझे हेल्प करो। मुझे होता अगर मैं इस क्वेश्चन पर बात करूंगा पर मुझे होता मैं कंफ्यूज हूं मशीन ए में पैसा इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। कुछ तो बोलेंगे देखिए सर, सर मशीन ए में सर इन्वेस्ट कितना क्या है 5 लाख, सर मशीन ए में इन्वेस्ट कितना क्या है 5 लाख, ये 5 लाख सर आपका आउटफ्लो है। और सर मशीन ए का सर लाइफ 5 साल का है, आपको हर साल कुछ पैसा मिलेगा, सर वो इनफ्लो है, जरा सम करके बता रहा मुझे कितना मिलेगा, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 9 लाख, ठीक है। हर साल जो पैसा मिलेगा वो मेरा कौन है, इनफ्लो है। तो देखो एक अप्रोच क्या होता है, सर आपने इन्वेस्ट कितने के सर 5 लाख, सर वापिस कितने मिल रहे 9 लाख, सर इन्वेस्ट कितने के सर 5 लाख, वापिस कितने मिल रहे 9 लाख, तो ज्यादा मिले क्या, कितने मिले बेटा 4 लाख। तो कहने से मशीन ए से मुझे 4 लाख ज्यादा मिले, कहने से मेरे नेट वैल्यू है। समझा क्या बेटा, नेट वैल्यू का मतलब क्या, कितना पैसा दिया और कितना पैसा मिला, कितना पैसा दिया और कितना पैसा मिला, दिया कितना बेटा 5 लाख और मिला कितना 9 लाख, दिया कितना 5 लाख और मिला कितना 9 लाख, तो कितना हाथ में बचा है 4 लाख, वो कौन है नेट वैल्यू। हाउ टू फाइंड नेट वैल्यू, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। बट इसमें दिक्कत क्या होती है बेटा, दिक्कत क्या होती है, इन्वेस्ट कितने के मैंने 5 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट कब किए, 0th ईयर में। बट मुझे पैसा कब मिल रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। आउटफ्लो कब हुआ है, शुरुआत में, बट इनफ्लो कब हो रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद,
तीन साल बाद, तो एक साल बाद दो साल बाद के इनफ्लो को स्टार्टिंग के आउटफ्लो से कंपेयर कर नहीं सकते। मैं खुश नहीं हो सकता कि मुझे 4 लाख ज्यादा मिले, बात समझी क्या बेटा? तो मुझे कंपेयर करना है, तो मैं कंपेयर क्या करूंगा? अरे इन्वेस्ट कितने के? 5 लाख। कब? शुरुआत में। इन्वेस्ट कितने के? 5 लाख। कब? शुरुआत में। एक साल बाद जो पैसा मिल रहा है, दो साल बाद जो पैसा मिल रहा है, तीन साल बाद जो पैसा मिल रहा है, उसके मैं निकालूंगा स्टार्टिंग वैल्यू। कि कंपेयर करने के लिए आउटफ्लो अगर स्टार्टिंग में, तो इनफ्लो भी क्या चाहिए? स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करूंगा? आउटफ्लो के स्टार्टिंग वैल्यू को इनफ्लो के स्टार्टिंग से कंपेयर करूंगा। बेटा आउटफ्लो तो इन्वेस्ट तो स्टार्टिंग में किया था, इनफ्लो कब किया हो रहा था? फ्यूचर में। इनफ्लो कब हो रहा था? फ्यूचर में। फ्यूचर में जो इनफ्लो है उसका स्टार्टिंग वैल्यू निकालूंगा। स्टार्टिंग मतलब क्या निकालूंगा? प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को कंपेयर करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो से। बात समझी क्या बेटा? आउटफ्लो कब था? प्रेजेंट में था। इनफ्लो कब थे? फ्यूचर में। सबको लेके कहां पे है? प्रेजेंट। फिर क्या क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, दोनों का डिफरेंस लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझा क्या? तो बच्चों एनपीवी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। और एनपीवी का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इनफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है और आउटफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस, यही तो अपना क्या होता है? एनपीवी। हा या ना? सबको समझा क्या बेटा? सबके दिमाग में जा रहा क्या बेटा? यस और नो बेटा? एनपीवी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाउ टू फाइंड एनपीवी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। बहुत शॉर्ट मैंने समझा दिया बेटा आपको, जो एक घंटे का पार्ट है मैंने 5 मिनट आपको समझा दिया। आई होप आप कंफर्टेबल होंगे बेटा। अब सवाल उठता है हाउ टू फाइंड इस प्रेजेंट वैल्यू। मुझे बताओ एक साल बाद का जो पैसा है उसकी आज कीमत उतनी होगी या कम होगी? ऑब्वियसली सर एक साल बाद का जो पैसा है उसकी आज कीमत क्या होगी? कम। तो एक साल बाद के दो साल बाद का जो पैसा है उसके आज की कीमत निकालने के लिए डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? डिस्काउंटिंग। तो एनपीवी निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिस्काउंटिंग फैक्टर से। समझा क्या बेटा? फ्यूचर के पैसे को प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसे लेस करना पड़ता है। लेस करना मतलब डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग करना मतलब क्या? उसका इंटरेस्ट फैक्टर निकालना पड़ता है। अब देखो बच्चों डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन बताता हूं हाउ टू फाइंड एनपीवी। देखो ऐसा बच्चों कहा जाता है जब भी समय आता है एनपीवी का, जब भी समय आता है बेटा एनपीवी का, ओके हम लोग बेटा बनाएंगे 5 कॉलम। जब भी समय आता है एनपीवी का हम लोग बनाएंगे 5 कॉलम। बोलो बच्चों कितने कॉलम? 5। वो 5 कॉलम होते ईयर, पर्टिकुलर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। मैं दोबारा बता रहा हूं जब भी समय आता है एनपीवी का हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे? 5। कौन कौन से? ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ईयर, पर्टिकुलर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। अब एक काम करते मैं मशीन ए का एनपीवी निकाल के बताता हूं बेटा, उसे सारा फंडा समझेगा। पेबैक पीरियड आप लोग कर लेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, चलेगा ना? मुझे एनपीवी निकालना है। बोलो बच्चों एनपीवी के लिए कितने कॉलम? 5। बोलो कौन कौन से? बोलो ईयर, पर्टिकुलर, आवाज नहीं आ रही है? हाँ बोलो ईयर, पर्टिकुलर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। एनपीवी को निकालते हो जैसे जैसे पैसा मिलता बेटा उस समय वाइज आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा समय वाइज। देखो जैसे घटनाएं घटी वैसे जाओ। बेटा मुझे बताओ सबसे पहले बेटा घटना कब घटेगी? 0 ईयर। कहां घटेगी बच्चों? 0th ईयर। समझा बेटा एकदम आराम से बेटा, ओके जिन्होंने पहले नहीं पढ़े एकदम आराम से। बेटा मुझे बताओ सबसे पहले 0th ईयर में क्या करेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मशीन ए की बात करते हैं, बता बच्चों मशीन ए के लिए शुरुआत में कितना इन्वेस्ट किया है? 5 लाख। अब बता 5 लाख इन्वेस्ट किया है, पैसा जा रहा है आ रहा है, आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, तो ये मेरा कौन है? आउटफ्लो। स्टार्टिंग में 5 लाख इन्वेस्ट किए, पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, तो ये मेरा कौन है? आउटफ्लो। फिर बताओ हर साल, हर साल कुछ पैसा मिलेगा क्या? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल कैश फ्लो। हर साल जो पैसा मिलेगा वो कौन है? एनुअल कैश फ्लो। बता बेटा फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 50,000, फिर 1.5 लाख। बता बच्चों फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 50,000, फिर कितना मिलेगा?
डेढ़ लाख, फिर कितना मिलेगा? 2 लाख। ये समझा क्या रे बेटा? फिर कितना मिलेगा बताओ? 3 लाख। फिर कितना मिलेगा? 2 लाख। ये पैसा कब मिलेगा बेटा? हर साल। हर साल जो पैसा आ रहा है वो जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो ये मेरा कौन है? इनफ्लो है। समझा क्या? 0-13 में इन्वेस्ट किया वो आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है। हर साल पैसा आ रहा है वो इनफ्लो। आउटफ्लो का साइन माइनस, इनफ्लो का साइन प्लस। अब इन सबका मुझे निकालना है क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से। क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग कितने से करने के बोला है? 10% से। वो दिया ना बेटा, मुझे निकालना है क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। मुझे निकालना है क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। बच्चों 0-13 का डिस्काउंट फैक्टर कितना मुझे बताओ? ये 5 लाख कब के? स्टार्टिंग में। आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों करना है? टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। बट 5 लाख ऑलरेडी प्रेजेंट में, 5 लाख ऑलरेडी 0-13 में ना बेटा, इसका और डिस्काउंटिंग क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या है? 0-13 का फैक्टर कितना होता है? 1। जो स्टार्टिंग ईयर है उसका और डिस्काउंटिंग करने का नहीं है, फैक्टर कितना आएगा बेटा? 1। अब देखो इसके बाद हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालना चाहिए, जिनको नहीं पता है। अगर आपको निकालना है डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। कैसे करेंगे बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। आई कितना है? 10% मतलब 0.1। चलो निकालो कैलसी बेटा, चलो करो कैलसी निकालो। सबसे पहले 1 टाइप करो फटाफट, चलो 1 टाइप करो, डिवाइड टाइप करो, फिर 1.1 किया क्या? रुको रुको साथ में चलो। इक्वल टू पहली बार प्रेस करो, बोलो कितना आ रहा है? 0.9090। इसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर। इक्वल टू और एक टाइप करो, कितना आ रहा है? 0.8264। इसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेकंड ईयर। इक्वल टू और एक बार करो, 0.7513। आ रहा है क्या बेटा? फिर से बता रहा, हाउ टू फाइंड डिस्काउंट फैक्टर? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। फिर इक्वल टू एक बार प्रेस किया तो फर्स्ट ईयर, दो बार प्रेस किया तो सेकंड ईयर। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर दिए, क्वेश्चन में दिया है तो जो दिया उसको लीजिए, नहीं दिया है तो आपको निकालना आता है। समझा क्या बेटा? मैंने आपको निकालना सिखाया है। फोर्थ ईयर में कितना है? 0.6830। जो दिया है तो दिया, तो लेने का झड़ा का तरी बैठने का। फिफ्थ ईयर में कितना है? 0.6209। समझा कर बेटा, नहीं तो आपको निकल आता ना। 0-13 में कितना लेंगे? 1। और बाकी ईयर का कैसे करेंगे बेटा बताओ? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। समझा कर बेटा, चलो एक बार मिला डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब हमें निकालना है क्या है? डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। कैसे करेंगे? कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करो डिस्काउंटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाई करो कैश फ्लो इंटू फैक्टर। 5 लाख इंटू 1 कितना आ रहा है? 5 लाख। साइन हो गया निगेटिव। अब चला कैलसी बेटा, करो फटाफट। 50,000 इंटू 0.9091, चला कैलसी कितना आ रहा है? 45,455। फिर करो बेटा, 1.5 लाख इंटू करो 0.8264, कितना आ रहा है? 123,960। फिर करो बेटा, 2 लाख इंटू करो 0.7513, करके देखो रे 150,260। फिर 3 लाख इंटू 3 लाख से मल्टीप्लाई करो इंटू 0.6830, कितना आ रहा है? 204,900। फिर 2 लाख इंटू ना 0.6209, कितना ना बताओ? 124,180। आ रहा है डिस्काउंट कैश फ्लो। समझा क्या बेटा? यस और नो, बोलो कैसे क्या? पहले ईयर लिखा, फिर पर्टिकुलर, फिर कैश फ्लो, उसको मल्टीप्लाई डिस्काउंट फैक्टर से, उसे में डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। अब सम करना है क्या? पहले सारे इनफ्लो ऐड करो और उससे आउटफ्लो क्या करेंगे? लेस। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यही तो करो नेट प्रेजेंट वैल्यू। झेपा क्या बेटा? इनफ्लो में से आउटफ्लो लेस करो, करो सॉल्व। प्लस 45,455 और इसे लेस करो
5 लाख, समझा क्या बेटा कितना आ रहा है, 148,755 आ रहा है बेटा, आ रहा है एनपीवी, सबका आ रहा है क्या बेटा? मुझे बताओ एनपीवी के सम में, मुझे बताओ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कब रिजेक्ट कब करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे पैसा कम माना ज्यादा ना चाहिए, ज्यादा ना बेटा, आउटफ्लो क्या चाहिए कम, इनफ्लो क्या चाहिए ज्यादा। तो कहना ऐसे, अगर एनपीवी होता है पॉजिटिव, एनपीवी क्या होता है पर मोर देन जीरो, प्रोजेक्ट क्या करेंगे एक्सेप्ट, और एनपीवी क्या आता है निगेटिव लेस देन जीरो, प्रोजेक्ट बच्चों क्या करेंगे रिजेक्ट। एनपीवी पॉजिटिव है मतलब ज्यादा पैसा आ रहा है, एक्सेप्ट करो प्रोजेक्ट, एनपीवी क्या आता है निगेटिव, क्या करेंगे रिजेक्ट। क्या सबको एनपीवी निकालना आ रहा है क्या? बोलो बच्चों एनपीवी को लॉन्ग फॉर्म क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। एनपीवी को निकालने के लिए कितने कॉलम, 5, कौन से, ईयर, पर्टिकुलर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर, 1/1+i और इक्वल टू प्रेस करते जाना है, समझा क्या बेटा? चलो फटाफट जिनको चाहिए होगा इसको बेटा बस फोटो क्लिक करके लो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलो बेटा क्लिक कर लिया, सबका एनपीवी समझ में आ रहा है बेटा आपको? चलो अगर एनपीवी समझा, अगले कंसेप्ट एकदम इजी है, और देखो अगला बेटा कंसेप्ट है बेनिफिट कॉस्ट, सब समझो बेटा, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और पीआई ये दोनों का बेटा फॉर्मूला सेम है। देखो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये दोनों का बेटा फॉर्मूला सेम है। देखो बच्चों एनपीवी ने क्या लिखा था, एनपीवी क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट आउटफ्लो इनका डिफरेंस कौन था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और वही बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट आउटफ्लो इनका अगर आप रेशियो निकालोगे इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, समझा क्या बेटा? एनपीवी के लिए क्या करेंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस लेने के बदले अगर आप रेशियो लेते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, समझा क्या बेटा आपको? पक्का फिर से मुझे बताओ बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या प्रॉफिट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब बताओ इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू कौन से कॉलम में दिए, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो में। अब बताओ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो में सारे इनफ्लो का प्रेजेंट कितना आ रहा है, बता बच्चों प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो कितना आता है, याद है क्या सबका सम, 648,755। ये मेरा कौन है प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो है क्या बेटा, और ये मेरा कौन है आउटफ्लो, झेपा क्या बेटा, सारे इनफ्लो का सम करो 648,755 और सारे आउटफ्लो का सम कितना आ रहा है 5 लाख, तो इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो यही तो मेरा कौन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। कितना आंसर आएगा बताओ, शायद आई थिंक कुछ तो कितना आएगा 648, कुछ तो 1.29 समथिंग आएगा ना बेटा, पक्का बेटा मुझे आता आपको क्या लगता है एज पर पी आई रेशो एक्सेप्ट कब करेंगे, पी आई रेशो कितना आना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, आउटफ्लो के कंपेयर में इनफ्लो क्या चाहिए ज्यादा, आउटफ्लो कम इनफ्लो ज्यादा, आउटफ्लो मतलब बेटा नीचे का नंबर क्या चाहिए छोटा, इनफ्लो मतलब ऊपर का नंबर क्या चाहिए बड़ा। तो अगर आपका पीआई अगर 1 से बड़ा है, पीआई अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब इनफ्लो क्या है ज्यादा, प्रोजेक्ट क्या करेंगे एक्सेप्ट, और पीआई अगर 1 से छोटा है मतलब इनफ्लो क्या है कम है, प्रोजेक्ट क्या करेंगे रिजेक्ट, समझा क्या बेटा? एज पर एनपीवी टेक्निक एक्सेप्ट कब करेंगे, अगर एनपीवी क्या आता है पॉजिटिव तो क्या करेंगे एक्सेप्ट, अगर एनपीवी क्या आता है निगेटिव क्या करेंगे रिजेक्ट, और एज पर पीआई एक्सेप्ट कब करेंगे, अगर पीआई होता है बेटा पॉजिटिव तो क्या करेंगे, सॉरी पीआई होता है मोर देन 1, पीआई के लिए क्या मोर देन 1 के लिए एक्सेप्ट, लेस देन 1 के लिए रिजेक्ट, और एनपीवी में पॉजिटिव के लिए एक्सेप्ट और निगेटिव के लिए रिजेक्ट। फर्क समझा क्या बेटा आपको? पक्का या सो नो बेटा, सभी से कंफर्टेबल है? चलिए तो क्या सबको भी बेनिफिट्स कॉस्ट रेशियो पीआई समझ में आ रहा है क्या, इसका फटाफट फोटो निकाल के लो बेटा। ओके अगला बेटा अपना कंसेप्ट है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट, बहुत सिंपल है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट।
नाम में लिखा है पेबैक के बाद, पेबैक के बाद जो बचा वो हमारा कौन है? पोस्ट पेबैक प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है वो दीजिए। पर मुझे बताओ मशीन ए में, मशीन ए में कितना इन्वेस्ट किया है? 5 लाख। मशीन ए में कितना इन्वेस्ट किया है? 5 लाख। वो मेरा आउटफ्लो है। मैं सोच रहा था मुझे पैसा वापस कब मिलेगा, मुझे पता चला फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है? 50,000। सेकंड ईयर में कितना मिल रहा है? 1.5 लाख। थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है? 2 लाख। फोर्थ में कितना मिल रहा है? 3 लाख। फिर कितना मिला है? 2 लाख। अब बताओ टोटल कितना मिला? बताओ बच्चों कितना मिला आपको? 9 लाख मिला क्या? अब बताओ इन्वेस्ट कितना क्या था? 5 लाख। मैं वेट कर रहा था मेरा 5 लाख वापिस कब निकलता है। मुझे पता चला मुझे 5 लाख तो मिला है और उसके आगे भी मिला है, तो टोटल कितना मिला है? 9 लाख। टोटल कितना मिला है? 9 लाख। मैंने पूछा कि 5 लाख मिले क्या? बोला हाँ भाई 5 लाख तो मिला है, और 5 लाख मिलने के बाद और पैसा बचा है, मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो वापस मिलने के बाद और कुछ पैसा हाथ में आ रहा है, वो कौन है? पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। मतलब पे बैक के बाद आपके 5 लाख पे बैक हो चुके, उसके बाद जो सरप्लस बचेगा वो कौन है? पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। कैसे क्या बेटा? 9 लाख माइनस 5 लाख। 5 लाख कौन था? आउटफ्लो। और 9 लाख कौन है? इनफ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। कुछ लोग बोले से ये तो एनपीवी था। बेटा एनपीवी के लिए क्या क्या था? सबका डिस्काउंटिंग क्या था? एनपी मतलब कौन था? नेट प्रेजेंट वैल्यू। बट पोस्ट पेबैक प्रॉफिट के लिए हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, सिंपली क्या करेंगे? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कितना पैसा दिया था और कितना पैसा मिला। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बेटा आपको? पक्का श्योरली बेटा। बाकी एआरआर वगैरह निकालना था, मैंने पढ़ाया था बेटा आपको। चलो तो क्या इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है अपने को? चलो फटाफट इसका बेटा फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा, पक्का 100%। ओके अब सुनो बेटा, अब देखो बच्चों अभी यहां पे देखो अपना एनपीवी पूरा समझ में आ रहा है आपको, पेबैक पीरियड पूरा समझ में आ रहा है बेटा अपने को। ओके अब देखो अभी चैप्टर का बच्चों में बहुत ही बच्चों इंपोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है आईआरआर। देखो बच्चों वैसे तो बच्चे देखना आईआरआर बड़ा कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है। ओके तो लेकिन फिर भी बच्चों कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में मैं आपको आईआरआर कंसेप्ट अच्छे से समझा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा बेटा आईआरआर कंसेप्ट के लिए। ठीक है एकदम ध्यान सुनना, जिन्हें पहले कभी नहीं पढ़ा प्लीज ध्यान सुनना बच्चों। ओके तो टफ कंसेप्ट है बच्चों, आईआरआर का लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों बोलू क्या आपकी तरह मुझे भी ना आईआरआर बिल्कुल नहीं समझ में आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। एक काम करते हैं हम दोनों साथ मिलकर समझ के लेते हैं आईआरआर होता है क्या। अब देखो बच्चों बड़ा आईआरआर को समझने के लिए सबसे पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन डिस्काउंटिंग फैक्टर या डिस्काउंटिंग रेट, रिलेशन बिटवीन डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड एनपीवी या डिस्काउंटिंग रेट एंड एनपीवी। बच्चों आप सबको पता है एनपीवी का मतलब बेटा क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। बच्चों एनपीवी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ओके एनपीवी को निकालने के लिए आपको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो क्लियर है बेटा आउटफ्लो ऑलरेडी, आउटफ्लो ऑलरेडी प्रेजेंट में होता है, तो इसका मतलब क्या है आउटफ्लो को डिस्काउंट से फर्क नहीं पड़ता बेटा, आउटफ्लो ऑलरेडी क्या प्रेजेंट में होता है। बट इनफ्लो कब होता है? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। इनफ्लो कब मिलता है? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल के बाद। अब याद लॉजिक लगाओ, अज्यूम करो पहले मेरा डिस्काउंटिंग रेट 10% था, अब डिस्काउंटिंग रेट 10 का हो गया 12%। क्या लगता है आपको डिस्काउंटिंग रेट बढ़ने से एनपीवी क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा? लगाओ दिमाग, बोलो बोलो। डिस्काउंटिंग रेट बढ़ने से एनपीवी को क्या फर्क पड़ेगा? पर कॉमन सेंस की बात है, अगर डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा 10 का 12 हो गया तो ज्यादा डिस्काउंटिंग होगा, डिस्काउंटिंग ज्यादा होने से अपने हाथ में पैसा कमाएगा ना। हमें चाहिए क्या?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इनफ्लो कब मिल रहे, एक साल के बाद, दो साल के बाद, तीन साल के बाद, इसका निकालने का प्रेजेंट वैल्यू। जितना डिस्काउंटिंग का रेट बढ़ेगा, 10 का क्या होगा 12, जितना डिस्काउंट रेट क्या होगा बढ़ेगा, ज्यादा डिस्काउंटिंग होगा और ज्यादा डिस्काउंटिंग होके हमारे हाथ में इनफ्लो क्या आएगा कम, जितना डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा सारा डिस्काउंटिंग करके हमारे हाथ में इनफ्लो क्या आएगा कम, और जितना इनफ्लो बेटा कम आएगा उतना एनपीवी क्या होगा कम। समझा क्या बेटा, एज डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीजेस, ज्यादा डिस्काउंटिंग होने से हमारे हाथ में पैसा क्या आएगा कम और एनपीवी क्या होगा कम। तो कैन आई से दैट एज डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीजेस एनपीवी डिक्रीजेस। इसको ग्राफ में अगर ड्रॉ करूंगा, सपोज इनिशियली इतना एनपीवी है, जैसे जैसे डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा एनपीवी क्या जाएगा कम, जैसे डिस्काउंटेड क्या होगा बढ़ेगा एनपीवी क्या जाएगा कम, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे बेटा एनपीवी क्या होगा जीरो, जहां पे एनपीवी क्या जाएगा जीरो। इनिशियल एनपीवी ज्यादा था, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा एनपीवी क्या जाएगा कम, तो ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जहां पे एनपीवी क्या होता है जीरो, ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जहां पे एनपीवी क्या होता है जीरो, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो IRR का मतलब क्या है, ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जब एनपीवी क्या होता है जीरो। तो कैन आई सेट IRR एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ आर सेम, जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उतना चाह रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों क्या होते हैं सेम, तो एनपीवी क्या आएगा जीरो। समझा क्या बेटा, IRR पे क्या होता है आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों सेम होने से एनपीवी क्या होता है जीरो। तो बच्चों मैंने IRR का मैंने पहला मीनिंग क्या बताया, IRR मतलब ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जहां पे एनपीवी क्या होता है जीरो, जहां पे एनपीवी बेटा क्या होता है जीरो। समझा क्या, या सोर नो बेटा, मैं आपको IRR का और एक मीनिंग समझाता हूं बेटा, आपको ध्यान सुनना बेटा। देखो सब अज्यूम करो मुझे 10 लाख इन्वेस्ट करने प्रोजेक्ट में, 10 लाख इन्वेस्ट करने, अब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कैसे लाना पड़ेगा मुझे, 10 लाख इन्वेस्ट करने पैसे कैसे लाना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हूँ, पैसा कहाँ से लाऊँ, इक्विटी से, डिबेंचर से या फिर बैंक लोन से। इक्विटी से पैसा लाऊंगा मुझे डिविडेंड मांगेगा, डिविडेंड से पैसा मांगूंगा इंटरेस्ट मांगेगा, बैंक से पैसा लाऊंगा तो मुझे बेटा इंटरेस्ट मांगेंगे, इन सबको जो देना पड़ेगा मेरा कॉस्ट ऑफ क्या क्या चाहिए, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मुझे डिसाइड करना है व्हाट शुड बी माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल रेज कर रहा उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए। अब देखो मुझे पता चला ये 10 लाख अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा कुछ तो एनपी मुझे मिलेगा, इनफ्लो मुझे मिलेगा, मुझे पता चलता है मेरे प्रोजेक्ट का IRR 12% है। IRR 12% मतलब क्या है, 12% के रेट पे मेरे एनपीवी का जाता है जीरो, 12% रेट पे जितना पैसा दिया था उतना चाह रहा है, तो 12% मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर मुझे कैसे पैसा रेस करना है तो बट ऑब्वियस है मैं 12% से कम रेट से पैसा रेस करूंगा। बात समझा क्या बेटा, अगर 12% पे मेरा खुद का बीपी निकल रहा है तो डिबेंचर को मैं 13% दूंगा क्या, उनको बोलूंगा भाई साहब मेरा खुद का बीपी 12 पे निकल रहा है, डिबेंचर होल्डर इक्विटी का बोलूंगा अगर 12% से कम डिविडेंड कम इंटरेस्ट लेते हो तो मैं आपसे पैसा क्या करूंगा रेस करूंगा। तो IRR क्या बताता है कि कम से कम कितना पैसा किस रेट से पैसा रेस करना चाहिए बेटा, इसका मतलब IRR का और एक नाम क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनल मतलब क्या है, कंपनी का इंटरनल रेट, ऐसा रेट, ऐसा इनबिल्ट रेट, मतलब बाहर वाला जो पैसा मंगाते ना कंपनी का जो इनबिल्ट रेट है जिसपे बेटा एनपीवी क्या होता है जीरो, मतलब कंपनी इंटरनली ऐसा अपना रेट डिसाइड करते जिसपे उसका एनपीवी क्या होता है जीरो होता है, और कंपनी बोलते है इससे कम से अगर पैसा मिलेगा तो हम पैसा रेस करें तो पैसा रेस नहीं करेंगे। समझा क्या बेटा आपको, हा या ना। बच्चों ने IRR के मैंने दो मीनिंग बताया, पहला मीनिंग क्या बताया, IRR का मतलब क्या है, ऐसा रेट छपे एनपीवी क्या होगा जीरो, मैंने बच्चों IRR का बेटा। दूसरा मैंने मतलब क्या बताया बच्चों, IRR मतलब ऐसा कम से कम रेट या जिससे सॉरी IRR मतलब ऐसा रेट जिससे कम कंपनी बोरो कर सकती है, उससे ज्यादा कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना नहीं चाहिए। झेपा क्या थोड़ा बहुत बेटा, आई होप थोड़ा बहुत मीनिंग समझाओगे बेटा आपको, मैंने पहले बड़ा कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है मैं शॉर्ट में समझा दिया, टेंशन मतलब बेटा इसे क्वेश्चन देखो सारा पार्ट समझेगा, IRR का कैलकुलेशन इससे भी डिफिकल्ट है ओके बेटा, तो प्लीज ध्यान से देखना आगे चलेगा ओके। एक काम करो बेटा अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, इसे मैं पूरा IRR समझा के दूंगा आपको।
चलो बेटा देख लिया क्वेश्चन आपने, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं आयरन निकालना है, अब एकदम ध्यान से देखो जो बताने जा रहा है आयरन निकालने के लिए। ओके तो एक काम करें, इसके बदले इस क्वेश्चन बदले मैं कुछ एमसीक्यू में से लूँ, क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, एमसीक्यू में ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको समझना आयरन। सॉरी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करो बेटा, चलेगा ना उससे ज़्यादा जल्दी इजी समझेगा आपको। देखो यार बेटा मैंने कुछ मैंने एमसीक्यू सिलेक्ट किए, ओके उसमें से जो क्वेश्चन नंबर ये 4-5 थोड़ा मैं लेक्चर के एंड में लेता हूँ, टेंशन मत लो, पहले मैं आयरन वाला एमसीक्यू लेता हूँ, इससे आइडिया अच्छा है, एग्जाम में क्या था आपको एमसीक्यू पूछेंगे ना बेटा आपको। ओके तो अगर आयरन में एमसीक्यू थ्रू कराऊंगा ज़्यादा अच्छी समझेगा बेटा आपको, ज़्यादा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन 7 साथ में पढ़ लेते, क्वेश्चन 7 के लिए, क्वेश्चन 7 में क्या है, कैलकुलेट आईआरआर, कैलकुलेट आईआरआर ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,30,000। बेटा मुझे बताओ कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे बताओ बच्चों, 1,36,000। जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट कब करेंगे बेटा, स्टार्टिंग में। और मुझे बताओ यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट कितना, 10% दिया है, ठीक है। और आपको हर साल का कैश इन्फ्लो दिया है क्या बेटा, 5 साल लाइफ है, हर साल का इन्फ्लो दिया है क्या बेटा आपने, कितना दिया, 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000, हर साल इन्फ्लो दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, हर साल का एनुअल कैश फ्लो दिया है, और पूछा है कि आपको आयरा, एकदम ध्यान समझना अब जो बताने जा रहा हूँ। बेटा मुझे बताओ आयरा का मतलब क्या है, ऐसा रेट जहाँ पे एनपीवी क्या होता है, जीरो। बच्चों आयरा का मतलब क्या है, ऐसा रेट जहाँ पे एनपीवी क्या होता है, जीरो। देखो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा डिस्काउंटिंग रेट और एनपीवी के, हो सकता है बच्चों इनिशियल एनपीवी पॉजिटिव था, जैसे जैसे डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चों डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा एनपीवी कम हो जाएगा, एनपीवी कम होते होते जीरो पे आएगा और बाद में क्या आएगा, निगेटिव होगा। तो यहां पे दिख रहा बच्चों ऐसा रेट चाहे एनपीवी क्या होता है, जीरो, उसे हम बोलते हैं आईआरआर। बात समझो बेटा, ऐसा रेट चाहे एनपीवी क्या होता है, जीरो, उसे क्या बोलते हैं, आईआरआर। अब देखो बच्चों जब भी समय आता आयरआर का, जब भी समय आता आयरआर का, आयरआर के सम में आपको सबसे पहले दो रेट ढूंढने पड़ेंगे। आयरआर के सम में सबसे पहले दो रेट ढूंढने पड़ेंगे, पहले ऐसा रेट जहां पे एनपीवी होगा पॉजिटिव और बाद में ऐसा रेट जहां पे एनपीवी होगा निगेटिव। बच्चों आयरआर को निकाल, दो रेट निकाले, एक ऐसा रेट जहां पे एनपीवी क्या होगा पॉजिटिव, एक ऐसा जहां पे एनपीवी क्या होगा निगेटिव। कुछ ऐसा क्यों सर, कॉमन सेंस की बात है, आईआरआर पे एनपीवी क्या होता है, जीरो। बच्चों आईआरआर पे एनपीवी क्या होता है, जीरो, और जीरो हमेशा बेटा क्या होता है, जीरो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव बीच में होता है बेटा, जीरो हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस के बीच में होता है। तो आईआरआर को ढूंढने के लिए सबसे पहले ऐसे दो रेट ढूंढो, एक रेट जहां पे एनपीवी क्या होगा पॉजिटिव, एक जब एनपीवी क्या होगा निगेटिव, ऑब्वियस आईआरआर उनके बीच में ही मिलेगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा, एक दो क्वेश्चन देखो पूरा समझेगा बेटा, सुन दो जाओ बस। मैंने क्या बताया, आईआरआर के लिए ऐसे दो रेट निकालो जहां पे एनपीवी क्या होगा, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव। अब एग्जाम में कंफ्यूजन होगा सर दो रेट क्या लिया जाए, मैं ट्रिक बता रहा हूं, एमसीक्यू के समय बहुत ईजी पड़ेगा बेटा। एक काम करो, इस क्वेश्चन में आईआरआर पूछा है, अब एक काम करना बेटा सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आप नोटिस करो ऑप्शन में जितने भी रेट है सभी क्या है 10 और 11 के बीच में दिए, पर ऑप्शन में जितने भी रेट है वो सभी क्या है 10 और 11 के बीच में दिए। ये क्वेश्चन में 10% ध्यान मत दो बेटा, वो काम करें बेटा अपना, ऑप्शन में देखो सभी रेट क्या है 10 और 11 के बीच में दिए बेटा। तो कहना इसे काम कहना इसे हमारा नॉर्मली हमारा आईआरआर 10 और 11 के बीच में आएगा, मैं इसे अज्यूम कर रहा हूं बेटा, मैं दो रेट क्या लूंगा 10 और 11, ऑप्शन से कहना कि इजी पड़ेगा सॉल्व करना बेटा, मैं दो रेट क्या लूंगा 10% और 11%। अब कैसे करेंगे देखो, आईआरआर का सम एनपी की तरह सॉल्व करने का, पर पहले मुझे बताओ एनपीयू के सम में कॉलम कितने थे बेटा 5, बोलो कौन कौन से, ईयर, पर्टिकुलर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। आईआरआर में भी सेम वैसे करेंगे, बनाते 5 कॉलम, पर्टिकुलर सॉरी पहले ईयर, आईआरआर में सेम वैसे करो, पहले होगा ईयर, उसके बाद पर्टिकुलर, फिर कैश फ्लो, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, ठीक है बेटा। अब देखो ईयर स्टार्टिंग में कौन है, जीरो देर बेटा, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। बोलो बच्चों कितना इन्वेस्ट किया, बोलो स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया बेटा 1,36,000। फिर हर साल 1 से लेकर 5
बट हर साल हमें क्या मिलेगा? एनुअल कैश फ्लो, वो सब में दिया है। बता बच्चों, एनुअल कैश फ्लो बोलो कितना कितना दिया बच्चों? 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 40,000, 60,000, बाद में कितना बच्चों दिया? 30,000 और 20,000 एनुअल कैश फ्लो दिया, सॉरी इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो आएगा ना, निगेटिव आएगा बेटा। इसको मल्टीप्लाई कर डिस्काउंट फैक्टर के बच्चों। अब यहां पे आयर को निकालेंगे, मैं दो रेट ले रहा हूं। सबसे पहला बेटा मैं रेट ले रहा हूं 10%, और बाद में बच्चों मैं रेट लूंगा 11%। मैं दो कॉलम बढ़ाता हूं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। एक बार फैक्टर लूंगा बेटा मैं 10% वाला, एक बार फैक्टर लूंगा मैं 11, चलेगा बेटा? बाकी कॉलम तो वही चलेंगे, ईयर पर्टिकुलर कैश फ्लो सेम ही रहेगा बेटा, बट दो कॉलम मैंने दो बार लिखे, डिस्काउंट फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। एक बार लिखा 10% के लिए, एक बार लिखा मैंने 11% के लिए। बता बच्चों, स्टार्टिंग ईयर का फैक्टर हमेशा कितना होता है? 1। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 1,36,000। अब मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। 10% मुझे निकालना पड़ेगा, फैक्टर मुझे निकालना पड़ेगा 10% से। चलो मैं अभी कैलकुलेशन करता हूं, मैं सबको समझ में आ रहा है बेटा क्या करना है अपने को? चलो कल से कैसे निकलेंगे बताओ बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i, मतलब 1 डिवाइडेड 1.1 इक्वल टू, एक बार प्रेस करो कितना आएगा? 0.9090। फिर इक्वल टू और एक बार प्रेस करो 0.7513, और एक बार करो 0.6830। सॉरी सेकंड टाइम में 0.8264 होता है क्या? और यहां पे 0.7513, फिर 0.6830, और फिर 0.6209। अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा कैश फ्लो से, मल्टीप्लाई करो 0.609 इनटू क्या करता हूं मैं? 20,000 करता हूं। चलो फास्ट अपन आप भी साथ में कैलकुलेशन करो, कितना आएगा? 12,418 राउंड ऑफ किया तो चलेगा बेटा। बाद में 0.6830 इंटू कर लो 30,000। चलो फास्ट फास्ट सॉल्व करो बेटा, कितना आ रहा है? 20,490 आ रहा है। उसके बाद 0.7513 इंटू 60,000, 45078। उसके बाद 0.8264 इंटू 40,000 करो बेटा, 33,056। सब बच्चों देखो 0.9090 इंटू 30,000, 27,270। अभी बेटा सम करते हैं, पहले सारे पॉजिटिव कैड करो, 27,270 फिर 33056 प्लस 45078 प्लस 20490 प्लस 12418, उसमें से बच्चों लेस करो 1,36,000, कितना आ रहा है? 2312 आ रहा बच्चों एनपीवी। बता बच्चों 10% कितना बच्चों एनपीवी आ रहा है? 2312 सबका आ रहा है 10% पे। अब यही करेंगे 11% के लिए, कहता है बेटा 11% के लिए अभी क्या करेंगे? फिर से फैक्टर स्टार्टिंग ईयर का तो 1:0.01 होता ना बेटा, उसके बाद अभी फैक्टर निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.11 ना, इक्वल टू एक बार प्रेस करो कितना आएगा? 0.9009, फिर 0.8116, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, 0.7311, 0.6587, फिर 0.5934। चलो मल्टीप्लाई करो बेटा, 2418 7369 0.6587 इंटू 20490 13496, पॉइंट 7311 इंटू, अरे यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, शिट मैंने किसको मल्टीप्लाई किया,
सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मुझे मल्टीप्लाई करना है चेता कैश फ्लो को मल्टीप्लाई ना, सॉरी 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 माय मिस्टेक बेटा, 0.9 ऐसे होता है, 0.5934 इंटू 20,000, 11,868 उसके 0.6587 इंटू, सॉरी कैश फ्लो को मल्टीप्लाई को डिस्काउंट फैक्टर से बेटा, इंटू 30,000, 19761 उसके 0.7311 इंटू 60,000, 43,866, 0.8116 इंटू 40,000, 32,464 एंड 0.9009 इंटू 30,000, 27,027। अब चलो अभी सम करो फटाफट, 32,464 प्लस 43,866 क्या हो गया, 27,027 प्लस 32,464 प्लस 43,866 प्लस 19761 प्लस 11868 माइनस 1,36,000 कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है मैंने। ओके आई थिंक यहाँ पे 1014 निगेटिव आ रहा है क्या बेटा, पक्का? देखो सिंपल सी बात, एग्जाम बता बच्चों, देखो अगर ऑप्शन से नहीं क्लिक हो रहा बेटा आपको, देखो अब यहाँ पे बच्चों देखना, 10% बच्चों एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, मैंने पहले बताया ऐसे दो रेट छे, एक में बच्चों एनपीवी क्या चाहिए प्लस और एक में एनपीवी क्या चाहिए बेटा माइनस। अब बताओ 10% बेटा एनपीवी अगर प्लस आ रहा है, एनपीवी माइनस के लिए रेट उससे कम लोगे ज्यादा, ऑब्वियसली बेटा जितना रेट क्या होगा ज्यादा, जितना रेट क्या होगा ज्यादा उतना एनपीवी क्या होगा कम। अगर 10% बेटा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है बेटा, अगला रेट क्या लेंगे 10 से क्या लेंगे ज्यादा, 11% से करो, अगर 11% एनपीवी निगेटिव है तो अच्छी बात है बेटा, अगर बाय चांस 11% एनपीवी फिर से पॉजिटिव आ रहा है ट्राई क्या करेंगे 12 फिर 13 ऐसे खेलते हैं बेटा बैठने का, समझा क्या? बस आपको दो रेट चाहिए, एक में एनपीवी क्या चाहिए प्लस एक में एनपीवी क्या चाहिए बेटा माइनस। अब बताओ 10% पे एनपीवी क्या आ रहा है प्लस और 11 पे एनपीवी क्या आ रहा है माइनस, इसका मतलब क्या है अपना आ रहा इन दोनों के बीच में, ये तो पता चल गया बेटा अपने को, दो रेट बेटा अपने को मिल चुके। अब ध्यान सुनना क्या मिला बच्चों, दो रेट अपने को 10% और 11%। अब बताओ 10% पे एनपीवी कितना आ रहा है 2312 और 11% पे एनपीवी कितना आ रहा है 1014 निगेटिव, समझा क्या बेटा आपको? 10% का एनपीवी पता है, 11% एनपीवी पता है। अब एरर का मतलब क्या है, एरर मतलब क्या है, ऐसा रेट जहां पे एनपीवी क्या होगा जीरो, ऐसा रेट जहां पे एनपीवी क्या होगा जीरो, बट ऑब्वियस है बेटा एनपीवी क्या है प्लस और माइनस के बीच में, समझ में आ रहा है बेटा आपको? अब देखो हम 10% पे खड़े थे, 10% पे एनपीवी क्या हो पॉजिटिव है, 10% पे एनपीवी क्या है पॉजिटिव, किसी ने बोला आपको आपका एनपीवी कम करना पड़ेगा, एनपीवी जीरो लेके आना है उसके रेट क्या करो बढ़ाओ, हम खड़े 10% पे हमने रेट बढ़ाए, हम रेट 10 से लेके गए 11, रेट 10 से लेके गए 11 पर एनपीवी कितना हो गया निगेटिव, हमें पॉजिटिव से जाना कहां पे तक था जीरो पर हम पहुंच कहां पे गए बेटा निगेटिव, समझा गया बेटा? 10% पे एनपीवी क्या होता है पॉजिटिव, हमें एनपीवी जीरो चाहिए था उसके रेट बढ़ा है, जैसे रेट 10 का 11 होगा उल्टा एनपीवी प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया। अब हमें पता चला हमें कहीं किसके बीच में रुकना था बेटा, कि प्लस से जीरो जाना था, हम प्लस से कहां पे गए माइनस तक, के बीच पर रुकना था। अब सवाल उठता है बीच में मतलब कहां पर रुकना चाहिए, मतलब सवाल उठता है 10 से कितना आगे जाना चाहिए, 10 से कितना आगे जाना चाहिए सो दैट एनपीवी क्या होगा जीरो। नहीं समझा बेटा, 10% पे एनपीवी क्या आ रहा है पॉजिटिव, 11% एनपीवी क्या आ रहा है निगेटिव, हमें 10 से 11 तो जाना था बट बीच में ऐसी जगह पे रुकना है जहां पे एनपीवी क्या होगा जीरो, समझा क्या? यस और नो? कल तय करे बेटा, फिर से बता रहा हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है,
10% पे एनपीवी पॉजिटिव है यार, समझा क्या? और हमें ऐसा रेट चाहिए, चाहे एनपीवी क्या होगा, जीरो। हम जब 10 से 11 तक गए, हमको पता चला एनपीवी प्लस से हम लोग कहां तक पहुंच गए, माइनस। हमें पता चला हमें इसके बीच में कहीं तो रुकना था, जहां पे एनपीवी क्या आएगा, जीरो। अब बीच में मतलब कहां पे रुकना चाहिए, अब ध्यान से देखिए बेटा। अब मैं कैसे करता हूं, इसके लिए मैं यूज करूंगा इंटरपोलेशन टेक्निक। ओके, कोई लॉजिकली करेंगे बेटा, हम कॉलम बनाएंगे चेंज इन एनपीवी एंड चेंज इन रेट। अगर बच्चों आयर अगर आपको निकालना है, हम कैसे करेंगे चेंज इन एनपीवी और चेंज इन रेट, इसका मतलब क्या? आप बताओ रेट पहले कितना था, 10, अब कितना हो गया, 11। आप बताओ रेट में कितना चेंज हो गया, 1%। फिर पहले कितना था बच्चों, 10, अब कितना हो गया, 11। रेट बढ़ गया 1% से। अब जब हम 10 से लेकर 11 पे गए, जब हम 10 से 11 पे गए, आपका एनपीवी कितने का कितना हो गया बताओ बच्चे। एनपीवी पहले कितना था, 2312, अभी कितना हो गया, -1014। क्या बता सकते हो एनपीवी में कितना चेंज हो गया? चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंस। तो मुझे बताना है क्या, रेट में जब 10 से 11 मतलब जब रेट में जब एक का चेंज होगा, एनपीवी में कितना चाह गया होगा चेंज। एनपीवी था कितना, 2312, हम कहां पे गए बेटा, 1014। माइनस करूं क्या बेटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। करो सॉल्व बेटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। कितना हो गया, 3326। इसका मतलब क्या है, जब रेट जब 10 से 11 होगा, जब रेट बढ़ेगा 1% से, एनपीवी कम होगा 3326। नहीं समझा, चल रेट 10 से क्या गया, 11। चल रेट 10 से क्या गया, 11। तो एनपीवी 2312 का कहां पे गया, -1014। तो क्या ना इसे, रेट में एक का बदलाव आने के लिए एनपीवी में 3326 का बदलाव आना चाहिए। समझा क्या? आप बताओ एक्चुअल में एनपीवी 2312 का जाना कहां तक चाहिए था, जीरो। हम भले 2312 से गए कहां तक थे, 1014 तक, पर एक्चुअल में 2312 से जाना कहां तक था, जीरो। हमारे मंजिल जीरो थी ना आईआरआर के लिए। इसका मतलब क्या है, हमें एनपीवी में कितना चेंज चाहिए था बेटा, 2312, कितना चाहिए था, 2312। तो कैन आई से दैट एनपीवी में 3326 का चेंज आने के लिए, कैन आई से एनपीवी में 3326 का चेंज आने के लिए, अगर रेट 1% से बढ़ना चाहिए, आपको समझा मैं क्या कर रहा बेटा, एनपीवी में 3326 का चेंज आने के लिए मैं रेट बढ़ा रहा हूं 1% से, बेटा मुझे बताओ। तो यहां पे 2312 से बेटा एनपीवी चेंज होने के लिए रेट में कितना चेंज होना चाहिए, समझा क्या बेटा? एनपीवी में अगर 3326 का चेंज करना है तो रेट में होना चाहिए 1% का चेंज। तो बेटा एनपीवी में 2312 का चेंज करने के लिए रेट में कितना चेंज होना चाहिए, समझा क्या बेटा? एनपीवी बेटा 3326 का, फिर से बता बच्चों, एनपीवी में अगर पूरा चेंज बच्चों लेके आना है, अगर एनपीवी में 3326 का चेंज लेके आना है तो रेट में चेंज होना चाहिए 1 ना। अरे जब एनपीवी इतना पूरा जब बढ़ेगा तो रेट कितने से बढ़ेगा, 1 से। अब बता एनपीवी जब 2312 का 0 हो जाएगा तो रेट कितने से बढ़ेगा, आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा आपको? नहीं तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में बेटा, जो भी समझ में आ रहा है बेटा आपको, यस और नो। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2312 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3326 कितना आएगा बता बच्चों, 0.6951। तो क्या नाइन से बेटा आपका बच्चों रेट बेटा कितने से बढ़ना चाहिए, 0.6951 से आपका रेट बढ़ना चाहिए। अब बता बच्चों इसे क्या नाइन फाइंड आईआरआर। अब बता बच्चों रेट अपना था कितना बेटा, 10। रेट था कितना बेटा, 10। कितने से बढ़ना चाहिए, 0.6951 से। रेट था कितना बेटा, 10। कितने से बढ़ना चाहिए, 0.6951 से बेटा। तो कितना होना चाहिए बेटा रेट, 10.6951। झेपा क्या बेटा, नहीं समझा? जब रेट जब 10 से 11 आ गया, जब रेट में हो गया 1% का चेंज, जब रेट में हो गया 1% का चेंज, तो बेटा एनपीयू में चेंज कितना हो गया, 3326।
3326 के चेंज के लिए अगर रेट 1% से बढ़ना चाहिए तो 2312 के चेंज के लिए रेट कितने से बढ़ना चाहिए? 0.6951। हम खड़े कहां पे थे बेटा? 10 पे। कितने से बढ़ना चाहिए? 0.6951। तो इस बच्चों रेट पे अगर हम रेट 0.6951 से बढ़ाते तो 10.69 के रेट पे हमारा एनपीवी क्या होगा बेटा? जीरो। जिस रेट पे बेटा एनपीवी जीरो होगा वही तो अपना कौन है? आईआरआर। कितना बच्चा आ रहा अपना? 10.6951। 10.69 नियरली किससे मैच हो रहा? 10.70 से मैच हो रहा, उतना राउंड ऑफ चलेगा। समझा क्या बेटा? आई होप आपको समझा होगा, थोड़ा मुश्किल है बेटा आईआरआर कंसेप्ट, फिर मैंने कोशिश की शॉर्ट में समझाने की बेटा। समझा क्या? ओ क्योंकि आईआरआर के लिए रेगुलेशन बहुत ज्यादा देर बेटा पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन मैंने शॉर्ट में समझा दिया। और एक बेटा क्वेश्चन लेता हूं, उससे आईआरआर और अच्छे समझेगा बेटा आपको, चलेगा? जिनको दिक्कत बैठो गए थोड़ा वीडियो पॉज कर लो बेटा, समझ के लो बेटा। देख बच्चों मैं फिर से बता, बच्चों आईआरआर को निकालने के लिए मैंने दो रेट निकाले, एक रेट ऐसा जब एनपीवी क्या आता पॉजिटिव, एक रेट ऐसा जब एनपीवी क्या होगा नेगेटिव। दो रेट लिए 10% और 11%। 10% पे एनपीवी क्या आ रहा था? पॉजिटिव। 11 पे एनपीवी क्या आ रहा था? नेगेटिव। उनके बीच कहीं ना कहीं प्लस और माइनस के बीच में जीरो आता बेटा। तो 10 और 11 के बीच ऐसा रेट है जहां पे एनपीवी क्या आता है? जीरो। तो मैंने क्या किया, 10% का एनपीवी लिखा, 11 का एनपीवी लिखा। मैंने क्या बोला, पूरे चेंज के लिए अगर रेट 1 से बढ़ना चाहिए तो 2312 के चेंज के लिए रेट कितने से बढ़ना चाहिए? तो 10 में उतना मैंने ऐड किया, उतना मेरा क्या आता? आईआरआर। आई होप थोड़ा बहुत समझा गया बेटा आपको। और एक क्वेश्चन देखिए, सारा पार्ट समझेगा छोटा, फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, फास्ट क्वेश्चन 8 को देखिए बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन 8 पढ़ लिया बेटा, कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन 8 में क्या बोला है? अ कंपनी, क्या बोला मुझे क्वेश्चन 8 में क्या बोला है? अ कंपनी प्रपोजेस टू इंस्टॉल मशीन, अ कंपनी प्रपोजेस टू इंस्टॉल मशीन इन्वॉल्विंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ, क्या बोला? 360,000 है। बच्चों मुझे बताओ कितना कैपिटल कॉस्ट है? 360,000 वो इन्वेस्टमेंट है। लाइफ ऑफ द मशीन कितना बच्चों दिया? 5 साल। और सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ, स्क्रैप वैल्यू कितना है? जीरो। ठीक, अच्छी बात है। मशीन विल प्रोड्यूस नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब बच्चों क्या? प्रॉफिट है ना बेटा, ये प्रॉफिट को ने आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 68,000 ये प्रॉफिट दिया क्या बेटा? और कंपनी का टैक्स रेट भी कितना दिया है? 40% दिया है। और एनपीवी का फैक्टर दिया ना, बट जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 14% वाला दिया है, 15 वाला दिया है, 16 वाला दिया है। और क्या पूछा था? क्या यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आईआरआर। अब ध्यान सुनना कैसे करना चाहिए बेटा। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिकी पॉइंट है? आईआरआर निकालना है बेटा। मुझे आता है आईआरआर का मतलब क्या है? ऐसा रेट चाहे एनपीवी क्या होता है? जीरो। यस बच्चों, आईआरआर के लिए या एनपीवी के लिए सबसे मेन क्या चाहिए? कैश फ्लो। आईआरआर के लिए फिर एनपीवी के लिए सबसे मेन क्या चाहिए? कैश फ्लो। चलो सबसे पहले मुझे आता हूं इनिशियल ईयर में कितना इन्वेस्ट किया। बोलो बच्चों कितना इन्वेस्ट किया? 360,000 वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है।
लाइफ कितना दिया है? 5 साल। क्या आपको एनुअल कैश फ्लो दिया है क्या? हाँ सर। कितना दिया? 68,000। नालायक, 68,000 आपका एनुअल कैश फ्लो है क्या बेटा? ये कौन है बता बच्चों? ये हमारा कौन है बच्चों? ये हमारा कौन है? प्रॉफिट है। क्योंकि ये हमारा कौन है? इनकम आफ्टर कौन है? डेप्रिसिएशन है ना, ये हमारा प्रॉफिट है बेटा। हमें निकालना पड़ेगा एनुअल कैश फ्लो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग समय बेटा, आपको दिया है क्या प्रॉफिट? कितना रहे बता बच्चों? 68,000 दिया प्रॉफिट। कैश फ्लो निकालना है। आप पहले मुझे बताओ ये प्रॉफिट कैसा है, आफ्टर डेप्रिसिएशन या बिफोर डेप्रिसिएशन? पहले बताओ फॉर्मेट, आफ्टर या बिफोर? यस बेटा, प्रॉफिट में से देखो, सिंपल सी बात आपको पता है, इनकम से लेस करो एक्सपेंस, क्या मिलता है? प्रॉफिट। उससे लेस क्या करोगे? टैक्स। क्या मिलता है? पैट। ये पता है क्या? इनकम से एक्सपेंस लेस करते हो, आप डेप्रिसिएशन लेस कर चुके हो, क्योंकि प्रॉफिट कौन है? आफ्टर डेप्रिसिएशन है। प्रॉफिट कौन है? आफ्टर डेप्रिसिएशन है बेटा। इसका डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है बेटा, डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है। तो प्रॉफिट में से क्या लेस करेंगे? टैक्स। तो क्या मिलेगा? पैट। प्रॉफिट से क्या लेस करेंगे? टैक्स। क्या मिलेगा? पैट। आई होप कंसेप्ट पता होंगे बेटा आपको। लेकिन मुझे था बच्चों ये भाई डेप्रिसिएशन लेस करना या कर चुके? कर चुके बेटा। लेकिन कैश फ्लो को निकालने के लिए क्या करेंगे? पैट में डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऐड बैक। डेप्रिसिएशन से पैसा आपका नहीं जा रहा है तो पैट में डेप्रिसिएशन क्या करोगे? ऐड। तो क्या मिलेगा? कैश फ्लो। ये पता है क्या बेटा आपको? पहले प्रॉफिट में से लेस करो टैक्स। क्या मिलेगा? पैट। क्योंकि टैक्स में पैसा जाता चाहिए, वो तो लेस करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट से लेस करो टैक्स, क्या मिलेगा? पैट। मतलब पैट है वो आपका कैश फ्लो नहीं है। असली कैश फ्लो निकालने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करोगे? ऐड बैक। उससे मिलेगा एनुअल कैश फ्लो। टैक्स कितना दिया बता बच्चों? 45%। रेगुलर कैसे सारा कंसेप्ट बहुत डेफ में करते बेटा, रिविजन इसमें शॉर्ट में बता रहा हूं। प्रॉफिट का निकालो 45%। 68,000 × 45% 30,600 ना बेटा। कितना भी आएगा? 37,400। और डेप्रिसिएशन, हाउ टू फाइंड डेप्रिसिएशन बताओ बच्चों। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? सेम ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप पर लाइबल बच्चों। मशीन का कॉस्ट कितना है? 360,000। कॉस्ट कितना है? 360,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है? जीरो दिया ना, जीरो स्क्रैप वैल्यू। और लाइफ कितना बच्चों दिया है? 5 साल। कॉस्ट कितना है बेटा? 360,000। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? जीरो। कॉस्ट 360,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू जीरो अपॉन लाइफ कितना बेटा? 5। क्या हो रहा है? कितना बेटा? 72,000 आर डेप्रिसिएशन बेटा। अब एक काम करो, पैट में एड बैक करो डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? एनुअल कैश फ्लो मिलेगा। समझा क्या बेटा? पक्का? प्रॉफिट में से लेस करो टैक्स, क्या मिला आपको? पैट। पैट में एड बैक करो डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या मिलेगा बच्चा? एनुअल कैश फ्लो मिलेगा। मिला बच्चा एनुअल कैश फ्लो? यस और नो? एक बार मिला बच्चा एनुअल कैश फ्लो? नाउ कैन आई फाइंड IRR? बता बच्चों, IRR को निकालने के लिए क्या बनाएंगे? NPV टेबल। लेकिन कंफ्यूजन क्या है? IRR को निकालने के लिए ऐसे दो रेट चाहिए, एक में NPV क्या होगा? पॉजिटिव। एक में NPV क्या होगा? निगेटिव। अब जरा ऑप्शन को देखो बेटा, क्या ऑप्शन में ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन 15-16 के बीच में है क्या? तो सबसे पहले काम करते, फर्स्ट कैन आई टेक लेट अस 15% ट्राई मारते बेटा। मुझे पहले बताओ ये जो कैश फ्लो है कब का है? फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का है? ये बड़ा हर साल है। अब तक के सब में क्या था? हर साल कैश फ्लो क्या था? अलग अलग। बट इस क्वेश्चन में हर साल कैश फ्लो क्या आ रहा है? सेम। फर्स्ट ईयर में भी उतना चाहिए, सेकंड ईयर में उतना चाहिए, हर साल कैश फ्लो क्या है? सेम है। अब हम बनाएंगे NPV टेबल। क्या आएगा कॉलम? ईयर, पर्टिकुलर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। ये दो बार करेंगे ना, ये पता ना बेटा आपको? ईयर, स्टार्टिंग ईयर में कितना इन्वेस्ट किया बता बच्चों? कितना इन्वेस्ट किया बोलो? 360,000 आउटफ्लो ना बेटा। फैक्टर वन आ रहा क्या? कैश फ्लो कितना हो गया? 360,000। फिर हर साल कैश फ्लो मिलेगा बेटा? इस सब में मुझे आता हर साल का कैश फ्लो सेम या अलग अलग है?
तो 5 बार लिखना है। एक बार ये पता है क्या बेटा आप लोगों को, आई होप पता होगा बेटा आपको, यहाँ पे हर साल फर्स्ट ईयर भी कितना मिल रहा है 1,09,400, सेकंड ईयर भी कितना मिलेगा 1,09,400, अगर हर साल का बेटा कैश फ्लो सेम है तो हम सभी को बार बार लिखने के बदले एक साल लिखो चलेगा। इसका मतलब क्या है, 1 to 5 पांचों साल में कैश फ्लो क्या है सेम है। अब बताओ डिस्काउंटिंग फैक्टर हम कितने से ले रहे, 15% चलो बेटा। किसका लू फैक्टर, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 5 साल का मिला के। बच्चों अगर हम 5-6 साल का कैश फ्लो क्या आ रहा है सेम, एक ऑप्शन क्या आता है कैश फ्लो इनटू फैक्टर, कैश फ्लो इनटू फैक्टर, इतना खेलते बैठो या एक ही कैश फ्लो को 5-6 साल के फैक्टर के सम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये पता होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव फैक्टर। ये झेप रहा है क्या बेटा आपको, 5-6 साल का कैश फ्लो क्या आ रहा है सेम, तो फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड ईयर के कैश फ्लो को फैक्टर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर थर्ड ईयर कैश फ्लो को फैक्टर से मल्टीप्लाई, फिर सबको ऐड करेंगे। इतना सब करने के पहले मैंने क्या किया, हर साल का कैश फ्लो एक ही बार लिखा है और इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5-6 साल के मिला के फैक्टर से। कैश फ्लो मैंने एक बार लिखा है और फैक्टर किसका लिखेंगे, 1 साल का, 2 से 5 साल का मिला के, 5 साल का मिला के, क्योंकि सभी साल कैश फ्लो क्या आ रहा है सेम हो रहा है। बता बच्चों इस समय कहीं पे दिया है क्या, दिया ना बेटा 15% से, ये कौन सा फैक्टर दिया है, 1 साल का दिया है, 2 साल का, 5 साल का मिला के, क्यूमुलेटिव ना बेटा, क्यूमुलेटिव मतलब क्या, 5 साल का मिला के। ये अप्लाई कब करते हैं, जब हर साल कैश फ्लो क्या होता है सेम। आई होप आपको पता होगा बेटा कितना 3.35 दिया है क्या, करो मल्टीप्लाई इंटू 3.35 कितना रहा बता बच्चों, 3,60,000 कितना रहा बेटा, 490 आ रहा है क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करने बाद आ रहा है बेटा। अब यहाँ पे कैश फ्लो निकालो बेटा, चलो एनपीवी निकालो, इसमें से लेस करो 360,000 कितना आएगा 6,490। इसका मतलब क्या है, क्या 15% पे आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है बेटा। अब बता 15% एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, अब ऐसा रेट चाहिए चाहे एनपीवी क्या होगा निगेटिव, चाहे एनपीवी क्या होगा निगेटिव, बताओ निगेटिव के लिए रेट कम करोगे बढ़ाओगे, करे 15% पे अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है एनपीवी को और कम करने के लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा ना, जितना रेट बढ़ाओगे उतना एनपीवी क्या जाएगा कम, ये पता है क्या आपको। अब रेट हम कितना लेंगे 16%, स्टार्टिंग ईयर का तो फैक्टर तो 1 ही चाहता बेटा, अब मुझे चाहिए 16% का रेट, कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर का, सेकंड का, क्यूमुलेटिव कौन सा लेंगे बेटा क्यूमुलेटिव, बोलो कितना 16% से 3.27, सब कुछ आपको दिया है, करो मल्टीप्लाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूं बेटा क्योंकि रिविजन लेक्चर है, समझ चलना, रेगुलर क्लास में हम इसको ऑलमोस्ट 2-2 घंटा पढ़ते हैं। कितना आ रहा है 357,738 ना, माइनस 360,000 2,262 माइनस में आ रहा है क्या बेटा, मतलब 15% बच्चा एनपीवी क्या आ रहा है प्लस और 16% एनपीवी क्या आ रहा है माइनस, आ रहा है क्या बेटा पक्का, एक पे आ रहा है प्लस एक पे आ रहा है माइनस, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बोलो चो 15% पे कितना एनपीवी है 6,490 और 16% पे कितना एनपीवी बेटा 2,262, एक में क्या आ रहा है बेटा प्लस और एक में क्या आ रहा है माइनस, आपको ऐसा रेट चाहिए जहाँ पे एनपीवी क्या होगा जीरो, आपको ऐसा जहाँ पे एनपीवी क्या होगा जीरो, वो कहने के 15-16 के बीच में होगा बेटा, आपको ऐसा रेट चाहिए जहाँ पे एनपीवी क्या होगा जीरो। समझा क्या, 15% पे एनपीवी क्या आ रहा है पॉजिटिव, 16 पे एनपीवी क्या आ रहा है निगेटिव, तो जीरो क्या होता है प्लस और माइनस के बीच में, तो आपको ऐसा बीच का ऐसा रेट चाहिए जहाँ पे एनपीवी क्या होगा जीरो। मैंने पिछले समय बताया था बेटा एनपीवी को निकालने के लिए हम कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताओ, चेंज इन रेट और चेंज इन एनपीवी, चेंज इन रेट और चेंज इन एनपीवी। पहले बताओ रेट पहले था कितना 15, अब कितना हो गया 16, रेट पहले था कितना 15, अब कितना हो गया 16, सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले हम करेंगे टोटल चेंज फिर हम करेंगे पार्शियल चेंज, पहले टोटल चेंज, रेट पहले था कितना बेटा 15, हम कहां पे गए 16, रेट में चेंज कितना हो गया 1%। अब बता एनपीवी पहले था कितना 6,490, अब कितना हो गया 2,262 निगेटिव, चेंज निकालोगे ना, रेट में चेंज होगा 1%, तो एनपी में चेंज कितना बेटा माइनस माइनस प्लस होता ना, 6,490 प्लस 2,262 कितना आएगा 8,752,
तो कैनाई से जब रेट 15 का 16 हो गया, मतलब जो रेट में जब 1% का चेंज हो गया तो एनपी चेंज कितना हो गया 8752। जेपा क्या बेटा, जब रेट बढ़ा 1% से, जब रेट बढ़ा 1% से तो एनपीवी घटा 8752 से, एनपीवी 6490 का कहां तक पहुंच गया 2262। जब रेट बढ़ा 1% से एनपीवी कम हो गया 8752। आप बताओ एक्चुअल में एनपीवी 6490 से कहां तक जाना चाहिए था, 6490 से एक्चुअल में कहां पे जाना चाहिए था, जीरो। हमारा असली मंजिल कहां पे थी, जीरो। तो चेंज चाहिए कितना था 6490। अब आपको पता है एनपीवी में अगर टोटल चेंज लेके आना है, एनपी में टोटल 8752 का चेंज लेके आना है तो रेट बढ़ाना पड़ा 1% से, तो बताओ एनपीयू में 6490 चेंज आने के लिए आपको झेपरा क्या बेटा, एनपीयू में पूरा चेंज लाने के लिए अगर रेट 1% से बढ़ाना पड़ा तो एनपीवी में इतना चेंज लाने के लिए 6490 से रेट कितने से बढ़ाना पड़ेगा। झेपा क्या, एनपी में 8752 का चेंज लाने के लिए रेट अगर 1% से बढ़ाना पड़ा तो 6490 के लिए रेट कितने से बढ़ाना पड़ेगा, कितने जो 0.74 से बढ़ाना पड़ेगा। इसे क्या ना है फाइन आईआरआर, रेट पहले था कितना बेटा 15, कितने से बढ़ाना पड़ेगा 0.74, तो आईआरआर कितना हो गया 15.74। आई होप आपको समझा, थोड़ा मैं फास्ट बता दिया बेटा मैंने। झेपा क्या बेटा, जब भी समय था आईआरआर का कितने रेट निकालेंगे, दो, एक में एनपीवी क्या होगा प्लस और एक में बच्चे एनपीवी क्या होगा माइनस। झेपा क्या, पक्का शोले, एक में बच्चे एनपीवी क्या चाहिए प्लस, एक में क्या चाहिए माइनस, तो हम क्या करेंगे 15 से लेकर 16 रेट में पूरे चेंज के लिए, अगर एनपीवी में इतना पूरा चेंज हो रहा है पूरे चेंज के लिए एक से रेट बढ़ाना पड़ा तो पार्शियल चेंज के लिए, मतलब 6490 से 2262 जाने के लिए अगर रेट 1% से बढ़ाना पड़ा तो 6490 से 0 तक जाने के लिए रेट कितने से बढ़ाना पड़ेगा। झेपा क्या, ये आ रहा कैसे समझते बेटा, चाहते काम करो फटाफट इसका फोटो क्लिक कर लो। क्लिक और थोड़ा सा बच्चों जो लास्ट का पार्ट था ना आयरा वाला पार्ट, हो सकता बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा दो बार देखो बच्चों, दो बार देखने समझेगा अच्छे से, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं उनको बहुत जल्दी समझाओगा, बस जिन्होंने बेटा पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपको वीडियो दो बार आपको देखना पड़ेगा। क्लिक क्लिक डन, क्लिक किया बेटा आपने डन डन। और हाँ बेटा इसमें मैं और एक दो क्वेश्चन करूँ, टेंशन मतलब और एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, लेकिन सुनो मतलब बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा पे बैक वाले बेटा अभी, लेकिन सुनो बेटा अभी यहाँ पे ना ये बेटा आज देखो बच्चों अपना ये कैश फ्लो ये सॉरी अपना कैपिटल बजटिंग हो रहा है, लेकिन सुनो बेटा उसके बेटा अलावा ना बच्चों मैं दो और बेटा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। बच्चों लास्ट का जो सीएमए का लेक्चर था बेटा उसमें मैंने बताया था कि यार डेली बेटा मैं एमसीक्यू शुरू करने वाला हूँ सीएमए के, या सुनो बेटा पास एग्जाम क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ, ओके घबरा मुझे याद है बेटा कल से, ओके बेटा कल से देखो बच्चों कल से मैं डेली शाम को बेटा आपके साथ आऊंगा, टाइम बेटा मैं बताऊंगा बेटा टाइम बेटा पहले बता करूंगा, कल से डेली शाम को बेटा मैं सीएमए के एक एक टॉपिक के ऊपर बच्चों एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा, और मैं चाहता हूं बेटा जब एमसीक्यू डिस्कस करूंगा आप लोग एक्टिवली बेटा पार्टिसिपेट करेंगे, जितना मेरे साथ में बेटा पार्टिसिपेट करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होंगे और मुझे भी जोश आएगा, चलेगा बेटा आपको। तो कल से बेटा हमारा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है फॉर सीएमए के लिए बेटा, ओके। उसके बेटा अलग देखे बच्चों एफएम और सीएमए का जिन बच्चों को बेटा और प्रैक्टिस करना है, कुछ बच्चे अभी मैराथन बेटा पूछ रहे थे, देखो बेटा अभी हम कोशिश बेटा कर रहे हैं लेकिन अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन सुनो बेटा अगर आपको बच्चों मैराथन की बेटा पढ़ाई करनी है आप टेंशन मत लो बेटा, मेरा पिछले अटेम्प्ट का बच्चों डिसेंबर मैराथन यूट्यूब पर अपलोड है बेटा, डिसेंबर अटेम्प्ट का एफएम और सीएमए का जो मैराथन बच्चों डिसेंबर बच्चों अटेम्प्ट का एफएम और सीएमए का जो मैराथन है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है बेटा, ये मैराथन बच्चों देख लीजिए। कुछ लोग बोले सर डिसेंबर का मैराथन है सर जून का अपलोड, बेटा यस बेटा आप टेंशन मत लो बेटा, अगर जून अटेम्प्ट के लिए बच्चों पढ़ाई करने अब एक काम करो जो मेरा डिसेंबर का मैराथन है प्लस ये जो रामबाण से बच्चों ने किए ना बेटा उसको, मैं डिसेंबर का मैराथन प्लस रामबाण के लेक्चर सीएमए के लिए, डिसेंबर के मेरे दो मैराथन है सीएमए पार्ट वन में
पार्ट बी मैंने कवर किया सीए में, पार्ट टू में मैंने, पार्ट ए मैंने कवर किया सीए में का, और साथ में रामबाण का जो अमेंडमेंट है जून के जो थे वो पढ़ लो बेटा, आपका सीए में पूरा जाएगा बेटा आपको। एफएम का बेटा मेरा 10 घंटे के मैराथन, उसमें पूरा हर टॉपिक मैंने अच्छे से कवर किया बेटा। प्लीज प्लीज बच्चों उसको डेली आपको देखना शुरू कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा बेटा। और मैं काम करता हूं बच्चों इस वीडियो के लिंक में भी, इस वीडियो के बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं एफएम और सीएमए के मैराथन के लिंक में शेयर करता हूं, जिसके जरिए आपको आइडिया आएगा आपको पढ़ने का आपको अच्छा। और वहां पे वीडियो के बच्चों वहां पे कमेंट बॉक्स में मैंने वहां पे नोट्स भी अपलोड करके रखे मैराथन के, ट्रस्ट मी बेटा बहुत अच्छे से मैंने बहुत एफर्ट से मैराथन बेटा बनाया। ओके वो मैराथन बच्चों देख लीजिए, आपको जून अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट होगा। एग्जाम से पहले कम से कम 3 से 4 बार आपको मैराथन देखना है अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए बेटा। और एग्जाम से एक दिन पहले आपको बाकी कुछ भी रिवाइज नहीं करना है, बस मैराथन के में से छोटे छोटे पॉइंट। अब देखो बच्चों जब मैराथन पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना देखोगे देखना बता रहा हूं। जब मैराथन देखेंगे एक एक कंसेप्ट प्रॉपर देखो, और आपको लग रहा है इसमें से कोई एक चीज है जो बहुत क्रिटिकल है जो मुझे बाद में याद नहीं रहेगा, उतना बच्चों वीडियो का बच्चों बताया क्या उतना जो टाइम है, अजूम कर आपको लग रहा है कि 1 घंटा 10 मिनट से लेकर 1 घंटा 20 मिनट का समय का जो लेक्चर है बहुत क्रुशियल है, मुझे अब बाद में याद नहीं रहेगा, उतना टाइम लिख के रखो एग्जाम से एक दिन पहले, बस उतना बच्चों वीडियो देखो आपका टाइम सेव होगा बेटा। ओके और प्लीज बच्चों ये जो मैराथन है बेटा, जितने भी बेटा आपके दोस्त है, जितने बच्चों दोस्त आपके एग्जाम दे रहे हैं, ये सबके साथ बेटा शेयर कीजिए। और सात बच्चों ये जो मैराथन है बेटा, ये सीए सीएस सीएमए तीनों बच्चे भी देख सकते हैं, जो आपके दो सीए कर रहे होंगे, जो सीएस कर रहे होंगे सीएमए, ये सभी लोग एफएम का मैराथन देख सकते हैं बेटा, उन सबके लिए चैप्टर एप्लीकेबल है। तो प्लीज जितने भी मैक्सिमम लोग हैं उनके साथ बेटा मैराथन बेटा प्लीज शेयर कीजिए। ओके और जो जून के बच्चों ने अभी तक पिछला मैराथन देखा नहीं होगा, बिंदास आप देखे बच्चों, ट्रस्ट करो बच्चों आप देखे बेटा, और आपको पूरा बच्चों बेनिफिट होगा। और मैराथन देखने के बाद आपके फीडबैक जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और सर बेटा मुझे इंस्टा मुझे बता दीजिए आपको मैराथन कैसा लगा बेटा, मैं आपके कमेंट का बेटा आपके फीडबैक का जरूर वेट करूंगा। ठीक है बच्चों अच्छा बच्चों आया रहा होगा बेटा, अब एक काम करते बच्चों हम लोग पे बैक के और बच्चों एनपीवी के बस एक दो एमसीक्यू डिस्कस करते फिर रुकते हैं हम लोग, चलेगा? थक गए होंगे ना आप लोग यार, बहुत पढ़ाई किया ना आज हम लोगों ने, दिमाग भी हीवी हो रहेगा इतना सब पढ़ के दिमाग जाप। चलो एक काम, एक ही क्वेश्चन लेता बेटा फिर रुकता हूं मैं, चलेगा ना यार? टेंशन मतलब बाकी एक दो क्वेश्चन इजी आपको जम जाएंगे आपको। चलो क्वेश्चन फोर देखो फटाफट, क्वेश्चन फोर फास्ट फास्ट, मैंने कैपिटल बजटिंग में क्या रहा? इतना सारा हेवी चैप्टर ना दिमाग पूरा जाम हो जाता है। और हाँ दूसरा बड़ा और एक अनाउंसमेंट रह गया यार, सॉरी 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 बेटा, एफएम का बेटा मैराथन बच्चों तो वो तो देख लीजिए बेटा, उसके अलावा बेटा उसके अलावा मुझे और चीजें भी जो करने जून अटेम्प्ट वालों के लिए बच्चों, मुझे बहुत सारे बच्चों के मुझे रिक्वेस्ट आए कि सर एफएम का थोड़ा थ्योरी का हमको टेंशन आ रहा है। बेटा ट्रस्ट मी मेरा एफएम के थ्योरी पे काम चल रहा है, अगर भले बेटा मैं इस जून अटेम्प्ट के लिए एफएम का प्रैक्टिकल का मैराथन नहीं लेके आता बेटा, लेकिन मैं एफएम का थ्योरी मैराथन लेके आऊंगा। यस बेटा मैं मेरा आपको प्रॉमिस है, आप एक काम करो मेरा जो दिसंबर का बच्चों मैराथन था उसमें से आप प्रैक्टिकल पूरा कवर कर लीजिए। ओके एफएम का जो प्रैक्टिकल है वो दिसंबर जो कवर करी मैराथन से, और एफएम के थ्योरी के लिए बेटा मैं ऑलमोस्ट आपके लिए 7 से 8 घंटे का अलग से मैराथन लेकर आ रहा हूं। कब समय रखो बेटा, टाइम लगेगा, मैं उसके नोट्स बेटा बना रहा हूं, रिकॉर्डिंग में करूंगा बेटा, टाइम लगेगा बेटा, मैं कम से कम 2 से 3 मिनट आपको बता दूंगा मैराथन कब आएगा बेटा, मैं बता दूंगा आपको। एफएम के जितनी भी थ्योरी बेटा प्रॉपर मॉड्यूल में से थ्योरी बेटा मैं कराऊंगा, और अलॉन्ग विथ एमसीक्यू मतलब हर टॉपिक मॉड्यूल में से डिस्कस करेंगे, और साथ में उसके बाद हम लोग 20 से 30 थ्योरी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेटा। ऐसे एफएम का हर चैप्टर का मैं थ्योरी डिस्कस कराऊंगा, इसका थ्योरी का मैराथन जरूर आएगा, चलेगा यार पक्का? ओके अब बच्चों अभी मुझे प्रॉमिस करो कि अगले कुछ दिनों में आप दिसंबर टाइम का मैराथन के खत्म करेंगे, वो खत्म करेंगे थ्योरी के बेटा आपको जोश आएगा आपको। और जितना बेटा आपका फीडबैक मुझे स्ट्रांग मिलेगा, और आप में से जितना बेटा फीडबैक स्ट्रांग मिलेगा उतना मुझे थ्योरी का मुझे जोश आएगा, वो थ्योरी का मैं बढ़िया बढ़िया मैराथन बनाऊंगा। तो आपको थ्योरी का मैराथन बढ़िया चाहिए बेटा तो मुझे कहने के आपके पास फीडबैक चाहिए यार, एक समझ चलना। जैसे बच्चों कोई बेटा गाड़ी बच्चा होता है क्या, गाड़ी बच्चा ऑयल के बिना चल नहीं सकती बेटा, उसको फ्यूल चाहिए बेटा, वैसे बच्चों टीचर का बच्चों देखो यहाँ पे बच्चों का आपका जो प्यार है आपका रिस्पांस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक बेटा आपका प्यार रिस्पांस नहीं मिलेगा हमें भी जोश नहीं आता यार, चलेगा ना? तो प्लीज बेटा ओके
तो ये जितने अपने सब नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे बेटा, ओके मासूम नहीं तुम कमीने, मुझे पता है, ओके हाँ हाँ सर हम मासूम है, चाह पता है मेरे को कितने तुम मासूम है बेटा, सब बेटा कमीने लोग हैं, चलता यार ये तुम्हारी उम्र ही है तुम्हारी, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन प्लीज प्लीज पढ़ाई करो, ठीक है चलेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बोल बात है कि ना अभी क्वेश्चन 4, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो क्वेश्चन 4 को पढ़ लो बेटा, चलो बेटा पढ़ा आपने क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है, अब प्रोजेक्ट का बच्चा कॉस्ट कितना बच्चा 20 लाख कॉस्ट है बच्चा, प्रोजेक्ट का 20 लाख कॉस्ट है, और प्रॉफिट कितना दिया बच्चों, हर साल प्रॉफिट कितना मिलता है 30 लाख आफ्टर डिप्रेशन ऑफ क्या बोला है 12.5%, प्रोजेक्ट बच्चों कॉस्ट कितना बच्चों 20 लाख कॉस्ट है बेटा, और प्रॉफिट कितना बच्चों दिया है 30 लाख, 30 लाख को नहीं आफ्टर डिप्रेशन है, बट बिफोर क्या बोला बच्चों टैक्स है, ये प्रॉफिट कैसा है आफ्टर डिप्रेशन है बट बिफोर क्या है टैक्स है, और आपको निकालना क्या है पे बैक पीरियड। चलो मुझे पहले बताओ पे बैक के लिए मैं क्या चाहिए बेटा, मुझे पे बैक के लिए मैं क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए या कैश फ्लो, बताओ बच्चों पे बैक के लिए मैं क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए या कैश फ्लो, यस बेटा पे बैक के लिए मैं क्या चाहिए बेटा कैश फ्लो, बेटा मुझे पे बैक के लिए मैं क्या चाहिए कैश फ्लो, अब बताओ हाउ टू फाइंड कैश फ्लो, प्रॉफिट दिया ये प्रॉफिट क्या है बिफोर डिप्रेशन आफ्टर डिप्रेशन है, आफ्टर डिप्रेशन है डिप्रेशन लेस कर चुके, प्रॉफिट में से लेस क्या करेंगे टैक्स, बेटा प्रॉफिट में से लेस क्या करेंगे टैक्स, तो क्या मिलेगा पैट, पैट में एडबैक क्या करेंगे डिप्रेशन, पैट में एडबैक क्या करेंगे डिप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिलेगा कैश फ्लो, आयो पता होगा बेटा आपको प्रॉफिट कितना दिया बता रहे बेटा अपने को 30 लाख, उसे लेस करो टैक्स, टैक्स कितना है 50%, 15 लाख लेस करो तो पैट कितना आएगा बेटा 15 लाख, उसमें ऐड करो डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन बताओ 20 लाख का 12.5% कितना आएगा बताओ, बोलो कितना मुझे 12.5% कितना आएगा 12.5% कितना आएगा पे, आई थिंक 2.5 लाख आएगा शायद से कुछ तो 2.5 लाख आएगा, उसको ऐड बैक करो कितना आएगा बेटा 17,50,000 कैश फ्लो आ रहा है क्या बेटा, अब मुझे निकालना है क्या पे बैक पीरियड, पर पे बैक का मतलब क्या है जितने समय में बेटा पैसा क्या मिलेगा बेटा वापिस मिलेगा, बेटा मुझे बताइए, बेटा मुझे बताइए कि यहां पे बेटा मुझे बताओ कि मुझे होता है पैसा वापिस मिलने के लिए ये सम किसका है इवन कैश फ्लो का, अनियन सम किसका बेटा इवन कैश फ्लो का, क्यों हर साल कैश फ्लो क्या होगा सेम, बता इवन कैश फ्लो में फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो, कितने इनिशियल इन्वेस्टमेंट बच्चों 20 लाख अपॉन एनुअल कैश फ्लो कितना 17,50,000, बस बच्चों सम बेटा इजी है, बस यहां पे ट्रिकी पॉइंट क्या था प्रॉफिट से कैश फ्लो निकालना आना चाहिए, समझा क्या बेटा, बस प्रॉफिट से क्या निकालेंगे कैश फ्लो, 20 लाख डिवाइडेड बाय क्या 17,50,000 कितना है बेटा 1.1482 कितना आ रहा है 1.1482, आंसर मैच हो रहा है बेटा नहीं, पर आंसर कितना आएगा नन ऑफ दिस आएगा बेटा, ठीक है चलो बेटा सबको झेपरा कर बेटा श्योरली, ठीक है चलो डन, तो आज बेटा यही पर रुकते बेटा हम लोग, समझा क्या आज का पढ़ बेटा पक्का ओके, आयो बेटा सबको समझा गया बेटा, छापना तो डिफिकल्ट है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चलो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और दिसंबर का मैराथन जरूर देखते रहिए बेटा ओके, चलो बाय बाय।